Hello people, I hope you're doing wonderful, 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 and here we are for a nice quick revision of FCRA. चलिए यार, तो FCRA के बारे में बात करेंगे फटाफट से. हमने लास्ट वन वीक के अंदर हमने पूरा FCRA इन डेप्थ पढ़ के कंप्लीट कर लिया, एंड हियर वी आर फॉर अ नाइस रिवीजन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. तो ये जो एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का एक्ट है. इट हैज टू बी रेड विद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011. इस एक्ट का पूरा ओवरव्यू आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. इस एक्ट के अंदर क्या क्या यार, इस एक्ट के अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके 9 तक चैप्टर जाते हैं. देयर आर टोटल सेक्शंस 54. क्या ये सारे 54 सेक्शंस हमारे सिलेबस में है सीए फाइनल्स पे? जी नहीं, पूरे सेक्शंस नहीं है. जो जो सेक्शंस है उनका हम फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 2. That is chapter number 2, regulation of foreign contribution, foreign hospitality, section number 3 to section number 10. हमने सबसे ज्यादा समय भी इसी के अंदर दिया था. 100% फोकस यहां पे. पहले प्रिलिमिनरी की बात करता हूं. प्रिलिमिनरी में आता है आपका सेक्शन नंबर 1 एंड 2. सेक्शन नंबर 1 टॉक्स अबाउट सिंपल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. चलो सब लोग यहां पे रहेंगे. सेक्शन नंबर 1, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में कुछ भी नहीं है. सबसे पहले चीज आती है एक्सटेंट. इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडियन सिटीजंस आउटसाइड इंडिया as well as associates, branches, subsidiary of Indian companies outside India. इन सब के ऊपर अप्लाई करता है FCRA. कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 May 2011 is the commencement date. Easy. फिर आती है बहुत सारी definitions. डेफिनेशन आती है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं, फोकस करना. फॉरेन कंपनी, what do you mean by foreign company? Any company or association or body of individual incorporated outside India. सबसे आसान भाषा में foreign company refers to any company, association or body of individual incorporated outside India. And includes करके चार चीजें दी हैं. Foreign company as under section 379 of Companies Act 2013. Subsidiary of such foreign company. Any principal office or registered office of such foreign company and multinational corporation. Sir, what do you mean by multinational corporation? फिर हमने पढ़ा था multinational corporation का मतलब multinational corporation refers to a corporation incorporated outside India. In India नहीं, multinational corporation refers to a corporation incorporated outside India and has its business operation in two or more countries or has its place of business registered office in more than two or more companies. Two or more countries. Done. फिर हम लोग आगे बढ़ा. Foreign source की definition बड़ी. Foreign source की हमने बहुत लंबी चौड़ी definition बड़ी. उसका हमने सार ऐसा निकाला कि कोई भी entity, कोई भी ऐसी चीज जो इंडिया के बाहर से आ रही, that is foreign source. तो भली गवर्नमेंट बोलो, ट्रेड यूनियन बोलो, भली फॉरेन कंपनी बोलो, फॉरेन कॉरपोरेशन बोल दो, कोई भी ऐसा पैसा, किसी भी तरह से पैसा जो इंडिया के बाहर से आ रहा है, फॉरेन सिटीजंस भले, तो वहां से पैसा था, दैट इज फॉरेन सोर्स. समझना अच्छे से. इसमें कुछ पॉइंट्स पे स्टार मार्क करा था, इस पे ध्यान रखना है. इंटरनेशनल एजेंसी, कोई इंटरनेशनल एजेंसी है तो वो भी फॉरेन सोर्स है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब फॉरेन सोर्स में कवर नहीं होते. फिर हमने देखा एक कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसके मोर देन 50% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री के हैं, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री के पास है, कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन कंट्री के पास है, ट्रस्ट सोसाइटी जो फॉरेन कंट्री में ऑपरेट करी उनके पास है, या फॉरेन कंपनी के पास है, तो भले ही इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई भी कंपनी है, लेकिन उसके अगर मोर देन 50% शेयर्स इनके पास है, सो ये कंपनी भी फॉरेन सोर्स मानी जाएगी. लेकिन उसमें बहुत खास पॉइंट पड़ा था कि अगर एक ऐसी कंपनी जिसको फेमा ने अलाउ कर रखा है तो वो फॉरेन सोर्स में काउंट नहीं होगी. फिर हमने आगे बढ़ा. स्टार मार्क एक और था कि कोई भी ट्रेड यूनियन है लेकिन वो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो फॉरेन सोर्स है. तो ट्रेड यूनियन है फॉरेन कंट्री में, भली रजिस्टर्ड नहीं है तो भी फॉरेन सोर्स है. फिर हम देखा फॉरेन ट्रस्ट या फॉरेन फाउंडेशन. अगर फॉरेन ट्रस्ट या फॉरेन फाउंडेशन है तो फॉरेन सोर्स है, लेकिन भली वो ट्रस्ट या फाउंडेशन फॉरेन में नहीं है लेकिन इट इज सब्सटेंशियली फंडेड बाय फॉरेनर्स, बाय फॉरेन कंट्री, तो भी ये जो ट्रस्ट या फाउंडेशन होगा ये फॉरेन सोर्स में आएगा. मतलब आपको समझ में आ रहा है, कोई भी ट्रस्ट या फाउंडेशन विच इज इधर इन फॉरेन और विच इज सब्सटेंशियली फंडेड बाय फॉरेन सोर्सेज, वो भी एक फॉरेन सोर्स माना जाएगा. ये हमने पढ़ा था फॉरेन सोर्स के अंदर. फिर अगर आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा फॉरेन कंट्रीब्यूशन. बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की. क्या अगर कोई भी एफएस ने, फॉरेन सोर्स ने डीडीटी दिया ऑफ एसीएस, फॉरेन सोर्स ने डीडीटी दिया ऑफ और ऑफ एसीएस, दैट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. डीडीटी बोले तो अगर फॉरेन सोर्स ने डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर दिया, अगर फॉरेन सोर्स ने डीडीटी किया है, डीडीटी मतलब क्या, फॉरेन सोर्स ने डोनेशन किया है, डिलीवरी किया है या ट्रांसफर किया है, अगर फॉरेन सोर्स ने डीडीटी किया है ऑफ एसीएस, एसीएस मतलब आर्टिकल करेंसी इंडियन भी हो सकती है फॉरेन, हाँ अगर इंडियन करेंसी भी फॉरेन सोर्स से आती है दैट इज ऑल्सो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, यस. तो अगर फॉरेन सोर्स ने डीडीटी किया है एसीएस का, डीडीटी बोले तो डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर किया है ऑफ एसीएस आर्टिकल
करेंसी और सिक्योरिटी, तो इसे कहा जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसमें मैंने बता दिया पॉइंट टू, नंबर टू, पॉइंट टू भी नोटेड इज करेंसी इंडियन भी हो सकती है फॉरेन भी हो सकती है। सर सिक्योरिटी मतलब, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी एज डिफाइंड अंडर एससीआर 1956 एज वेल एज सिक्योरिटी फॉरेन सिक्योरिटी डिफाइंड अंडर फेमा, तो ये भी है यहाँ पे कवर्ड। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिकली बताएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कुछ चीजें इंक्लूड होती है, क्या चीजें इंक्लूड होती है समझना अच्छे से, कि अगर मान लीजिए फॉरेन सोर्स ने किसी व्यक्ति को आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी दिया और उस व्यक्ति ने इंडिया के अंदर आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी दिया तो दैट इज ऑल्सो फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में इस फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन पर कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी इनकम अर्न हुई है दैट इज ऑल्सो फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन। देन वॉट इज नॉट फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर मान लीजिए कोई भी फीस आई है इंडिया में दैट इज नॉट फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि फॉरन स्टूडेंट्स यहां पर आकर पढ़ते हैं उनकी कॉलेज की फीस आती है, नॉट फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां पर एक व्यक्ति एजेंट, उसने किसी फॉरनर का कुछ काम किया, उससे फीस लिया, उससे कॉस्ट लिया, नॉट फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां पर एक व्यक्ति उसने गुड्स सेल किए फॉरन में, उसके बदले में पैसा आया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं इनको, इनके लिए जो पैसा आता है वो दैट इज नॉट फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन। मोस्टली डोनेशन टाइप के जो पैसे आते हैं फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर कवर किए जाते हैं। इसके बाद में एक बहुत प्यारी डेफिनेशन आएगी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की, फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया, उसके हमने एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीजें देखी थी अच्छे से डिटेल में। फिर हमने कुछ चार मार्क करते हैं एक्सप्लेनेशन पे, कि मान लीजिए अगर किसी एनआरआई ने डोनेशन दिया तो क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं, एनआरआई ने डोनेशन दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, फॉरेन सिटीजन ने डोनेशन दिया तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। ध्यान रखना फॉरेन सिटीजन ने कंट्रीब्यूशन दिया तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, एनआरआई है तो इंडियन सिटीजन ना, तो इसने अगर डोनेशन दिया तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में एक और था अगर आईटी सेक्टर वाला, कि अगर फेमा में अलाउड है तो भले ही 100% शेयर्स भी फॉरेनर ने ओन कर रखे हैं उस कंपनी से जो अमाउंट आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। फिर पर्सन की डेफिनेशन में दम नहीं है। फिर आया फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही बड़ा डेफिनेशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन, हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी थी, फोकस करना अच्छे से, क्या अगर किसी भी फॉरेन सोर्स ने ऑफर दिया कि वो आपको टीबीएल टीएम देगा, अगर किसी फॉरेन सोर्स ने आपको ऑफर दिया है कि वो आपको टीबीएल टीएम देगा तो दैट इज अ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। मतलब क्या? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मींस एन ऑफर नॉट बीइंग अ कैजुअल वन, इन कैश और इन काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, टी ट्रेवल, बी बोर्डिंग, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री ट्रांसपोर्ट एंड फ्री मेडिकल अटेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट। सो फोकस करना, अगर किसी भी फॉरेन सोर्स ने आपको ऑफर दिया है वो आपको टीबीएल टीएम दे रहा है, अगर किसी भी फॉरेन सोर्स ने आपको ऑफर दिया है वो आपको टीबीएल टीएम दे रहा है, दैट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन सोर्स ऑफर दे रहा है टीबीएल टीएम का, टीबीएल टीएम कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री ट्रांसपोर्ट एंड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये सब अगर कोई ऑफर दे रहा है दैट इज कवर्ड अंडर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, वंडरफुल। फिर हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है हमारा रिलेटिव। रिलेटिव क्या है? एज पर डिफाइंड अंडर कंपनीज है, खत्म हो गई बात, क्लियर है। फिर हमने एक बात पढ़ी थी सिंपल छोटी सी, कि अगर कोई भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो एफसीआर में यूज किया है बट उसके डेफिनेशन सेक्शन में नहीं मिलता है तो हम कहां जाएंगे? यहां पे कुछ एक्ट दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड फेमा, यहां पर हम जाके उस एक्ट का मतलब देखेंगे। और ये हमने देखा सिंपल सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 तो डेफिनेशन है, सेक्शन 1 में ध्यान रखना है कि ये एक्ट कब आया था, 1 मई 2011 के दिन आया था। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया एज वेल एज इंडियन कंपनीज का ब्रांच सब्सिडियरी एसोसिएट आउटसाइड इंडिया, इन सब के ऊपर ये एक्ट अप्लाई करता है। और अब हम शुरू करते हैं इस एक्ट का सबसे कोर एस्पेक्ट विद फुल ज़ील, बी विद मी। ये पूरा एक्ट तैयार हो, ठीक है, एकदम मस्ती से फोकस करना है स्क्रीन पे। हम अभी फोकस करें चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 कवर्स सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10। चैप्टर नंबर 2 कवर्स सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10, 100% फोकस यहां पर। चैप्टर 2 क्या बात करता है? सेक्शन 3 बोलता है प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि भैया जी हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 3 कहता है कि किन सर्कमस्टेंसेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेक्शन 4 इज एंसिलरी प्रोविजन टू सेक्शन 3, सेक्शन 3 के एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 4 कहता है Person to whom Section 3 shall not apply. तो Section 3 कहता है कि foreign contribution नहीं ले सकते, but Section 4 कहता है कि कुछ circumstances में foreign contribution ले सकते हैं। तो Section 4 is nothing but an exception to Section 3. Section 5 is a very interesting section. Procedure to notify an organization of political nature. कैसा है? Section 3 में मैं आपको बताऊंगा कि political entity जो होती है, political parties foreign contribution ले ही नहीं सकती। तो यहां पर Section 5 में क्या कहता है? अगर central government को लगता है कि कोई एक organization है which is of political nature, तो central government उसे notify कर सकती है कि you are an organization of political nature and hence you also cannot accept foreign contribution under section 3. Section 5, central government to
टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. तो सेक्शन में 4 एंड 5 आर नथिंग बट एंसिलरी प्रोविजन फॉर सेक्शन 3. सेक्शन 6 इंटरेस्टिंग वापस आता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, के फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन आएंगे सेक्शन 6. तो 3 4 5 6 हो गए. 3 प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, 4 पर्सन टू हूम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, 5 procedure to notify an organization as an organization of political nature, and 6 comes as what, restriction on acceptance of foreign hospitality. Ho gaya. Uske baad mein 7 8 9 10 aata hai. 7 is what, prohibition to transfer foreign contribution to another person. Ki ek vyakti jisne kaide se law mein rehkar foreign contribution liya hai wo aage foreign contribution ko transfer nahi kar sakta, aur kar sakta hai to kitne limit tak kar sakta padenge. Bahut interesting provision ye bhi. Section number 8, restrictions to utilize foreign contribution for administrative purpose. Section 8 kehta hai ki aapne foreign contribution le liya, वो आप स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते. स्पेक्युलेटिव को डिफाइन किया है कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर उस आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो सकता है. मतलब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा ना, ऊपर से इंटरेस्ट मिलेगा. तो जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो सकती है, वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन को. एंड यू कैन नॉट इवन यूज इट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. तो एक लिमिट दे रखिए कि उस लिमिट तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को डिफाइन भी किया, बहुत अच्छी बात है. सेक्शन नंबर 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सर्टेन केसेस. सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि जनरली सेक्शन 3 में कुछ लोगों के नाम दिए, दैट दीस पीपल आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति को भी प्रोहिबिट कर दो, फॉर एग्जांपल शुभम सुक्लेचा, शुभम सुक्लेचा सेक्शन 3 में डिफाइंड नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर शुभम सुक्लेचा को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने दिया तो ये हमारे भारत देश की इंटीग्रिटी के लिए, सोवरेनिटी के लिए, हार्मनी के लिए अच्छा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि शुभम सुक्लेचा यू ऑल्सो कैनॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, या फिर यू कैन एक्सेप्ट आफ्टर सर्टन प्रोसीजर. सिंपल. तो सेक्शन 9 गिव्स अ पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो नोटिफाई कर सकता है कि कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3. सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड लोग तो ले ही नहीं सकते, उनके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को स्पेसिफाई करना तो कर सकता है सेक्शन 9 में. और सेक्शन 10 इज अ छोटू सा सेक्शन, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्ट. कि किसी व्यक्ति के पास अगर एक्ट को कॉन्ट्रीव्यून करते हुए कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, तो इसको व्यक्ति डिस्पोज नहीं करेगा, डील नहीं करेगा, संभाल के रखेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आगे के ऑर्डर्स नहीं दे देता. तो दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सेक्शन सीरीज, सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10. ये दिल में उतर गया तो आधा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, ये मैं हमेशा से कहता हूं. तो पूरा फोकस दो सेक्शन 3 टू 10, उसके बाद में 11 टू 54 तो ऐसे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे. सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10, 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. चलिए सेक्शन 3 में क्या पढ़ते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो मैं बता रहा हूं, दीज पीपल आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. कौन? पहला, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन. अगर एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है तो वो किसी भी हालत में, किसी भी हालत में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता. सेकेंड, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड लोग हैं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. नेक्स्ट, पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और इंप्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी कंट्रोल एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट. कि कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, जज है, या फिर कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन उसका इंप्लॉय है, ये लोग भी किसी भी हालत में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते. आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग. भाई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेके उनको हम फेवर देने का सोचेंगे, संभावना ही खत्म कर देते हैं, ये लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. नेक्स्ट इज व्हाट, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर. तो अगर कोई भी लेजिस्लेचर का मेंबर है तो ऑफकोर्स वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता. नेक्स्ट इज व्हाट, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर देयर ऑफ. ऑफकोर्स ना द पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है ना उसके ऑफिस बेरर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर स्पेसिफाइड सेक्शन 5. जो मैंने बताया था कि सेक्शन 5 में गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई कर सकती है दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज एसोसिएशन और कंपनी इंगेज्ड और इन द प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज और ऑडियो विजुअल न्यूज और करंट अफेयर्स प्रोग्राम थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. समझना अच्छे से क्या लिखा है यहाँ पे कि मास कम्युनिकेशन, किसी भी तरह से अगर आप मीडिया में इन्वॉल्व हैं, आप न्यूज देते हैं, ऊपर न्यूज़पेपर कवर कर लिया यहाँ पे, टीवी न्यूज चैनल्स वगैरह या कोई भी ऑडियो विजुअल मीन्स से आप न्यूज बांटते हैं लोगों में, तो ऐसे लोग भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि न्यूज़पेपर में आप इन्वॉल्व हैं वो भी नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आप बायस हो गए तो कैसे चलेगा. और जो यहां पे न्यूज चैनल्स वगैरह फिर ऑडियो विजुअल मीन्स से न्यूज देते हैं वो लोग भी नहीं 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 ले सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज व्हाट, करेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ द एसोसिएशन और कंपनी रिफंड सेक्शन जी. तो जो जी में जो न्यूज चैनल्स वाले हैं उनके एसोसिएटेड लोग भी जो है ना तो न्यूज चैनल ले सकता है ना ही उनके एसोसिएट लोग ले सकते हैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लोग किसी भी हालत में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. देखो याद रखना भी आसान है, 8 में से समझो इलेक्शन वाला व्यक्ति नहीं ले सकता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं ले सकता, ऑब्वियसली बात है. फिर पब्लिक सर्वेंट, इंप्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सब नहीं ले सकते, ऑब्वियसली बात है. फिर आया न्यूज़पेपर और उसमें काम करने वाले रिलेटेड लोग नहीं ले सकते,
जो ऑडियो विजुअल न्यूज में इन्वॉल्व है टीवी चैनल्स वाले, वो और उनसे रिलेटेड लोग भी नहीं ले सकते। एंड मैंने आपको पहले बताया था रेगुलर बैच के अंदर यू डोंट हैव टू रेक्टिफाई दीज पॉइंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट पे एग्जाम में केस स्टडी बना के पूछे तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। सो सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स, सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स कि ये लोग किसी भी तरह से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। फोकस करना अच्छे से। उसके बाद में सेक्शन 4 आता है पर्सन टू होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। सुनो मेरी बात को, सेक्शन 3 में ये आ गया। उसके बाद में सेक्शन 3 आगे भी चीजें कहता है कि सुनो, ये तो हमने कह दिया कि ये लोग नहीं ले सकते। मान लो भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेता है और इनको देता है, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, वो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 4 के ऊपर, पर्सन टू होम सेक्शन 3 शेल नॉट अप्लाई। ये लोग हैं एक्चुअली, सेक्शन में पर्सन लिखा, बड़ी केसेस हैं कि इन केसेस के अंदर आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, मतलब ये केसेस के अंदर ये 8 लोग भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। सेक्शन 4 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 3। सो सेक्शन 4 में जो केसेस दिए हैं उन केसेस के अंदर ये 8 लोग जो सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड है वो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। समझना, सेक्शन 3 सेज ये 8 लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, सेक्शन 4 सेज रुको 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 रुको, ये 8 लोग इन केसेस में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। कौन से केसेस में? पहला केस, बाय वे ऑफ सैलरी वेजेस रेम्युनरेशन ड्यू टू हिम और एनी ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर हिम फॉर एनी फॉरेन सोर्स फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स बाय वे ऑफ पेमेंट इन फॉर एनी बिजनेस। समझो, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा ना वैसा ही, कि अगर आपने कोई सर्विसेज दिए उसके आपको सैलरी वेजेस रेम्युनरेशन गुड्स भेजे उसका आपको अमाउंट आ रहा है तो ये सब अलाउड है, ये ले सकते हैं, ये 8 लोग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, और बाय वे ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स ऑन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय हिम आउटसाइड इंडिया। वही कि आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया, मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है, अगर आपने इंडिया में किसी को गुड्स वगैरह सर्विसेज दिए और वो पेमेंट आपको बाहर से दे रहा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है। आपने फॉरेन में ही सर्विसेज और गुड्स भेजे और वो वहां से आपको पेमेंट दे रहा, सब अलाउड है, ये सब अलाउड है, ये प्रकार के फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है, उन 8 लोगों को भी अलाउड है। नेक्स्ट, एज एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कि कोई भी एजेंट की तरह आपने काम किया, आप इंडिया में हो, आपने एज एन एजेंट काम किया एक फॉरेनर के लिए, कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना था, परमिशन लेनी थी, ये सब लेके आप उसने दे दी, उसके बदले वो आपको पैसे दे रहा है, फीस के पैसे दे रहा है, ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अट्रैक्ट नहीं होगा, यहां ये भी अलाउड है, ये 8 लोग ये भी ले सकते हैं, इस प्रकार का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है। नेक्स्ट, बाय वे ऑफ गिफ्ट, ओ गिफ्ट कैसे, गिफ्ट नहीं अलाउ करेंगे, गिफ्ट ही तो रोकना था कि हम जजेस को बाहर से गिफ्ट आएगा और वो अगर बायस डिसीजन देंगे तो, अरे रुको भैया क्या लिखा है पढ़ तो लो पूरा। बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, अगर गिफ्ट वगैरह मिलता है एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, प्रोवाइडेड दैट सच गिफ्ट और प्रेजेंटेड वाज एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द एक्सेप्टेंस और रोटेशन ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन। क्या कह रहे हैं कि गिफ्ट प्रेजेंटेशन ले सकते, अरे नहीं, अरे रुको ना, एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन विद इन द रूल्स बाय गवर्नमेंट, रूल्स क्या नहीं बता, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन आप ले सकते हो। जैसे कि इंडिया का कोई डेलीगेशन है वो यूएस में गया, यूएस का डेलीगेशन इंडिया में आता है तो आप उनको कुछ बेसिक गिफ्ट दे सकते हैं ना, तो विद इन द रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो गिफ्ट्स को ले सकते हैं। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं लूंगा, वहां पे हमारे कोई भी हमारा बड़ा बड़ा पॉलिटिकल एक व्यक्ति वहां जाता है और उसको वहां पे ऐसे शॉल पहनाई जाती है, बोलता है नहीं मैं नहीं लूंगा, हमारा एक्ट प्रोहिबिट करता है। अरे भैया जी छोटा मोटा गिफ्ट है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो अगर कोई गिफ्ट आप एज अ इंडियन डेलीगेशन के मेंबर के रूप में जा रहे हैं और आप मेरे को ले रहे हैं तो आप ले सकते हो विद इन द रूल्स एंड लिमिट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रॉम हिज रिलेटिव, रिलेटिव से ले सकता है, बहुत बढ़िया बात है। और बाय वे ऑफ रेमिटेंसेस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल पोस्ट ऑफिस और एनी ऑथराइज्ड पर्सन फॉरेन एक्सचेंज अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के एक्ट के तहत अगर वो ले रहा है तो भी वो अलाउड है। रिलेटिव से भी लेना वेना सब चलता है बट एक लिमिट लगा देते हैं उस पर भी। आगे आ जाओ, बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप स्टाइपेंड और पेमेंट ऑफ लाइक नेचर। तो हमारे यहां पे भारत में बहुत सारे छात्र होते हैं जिनको फॉरेन से स्कॉलरशिप मिलती है तो वो भी अलाउड है, वो भी अलाउड है। सिंपल, तो हमने क्या पढ़ा, सुनना ध्यान से यहां पे केयरफुली, सेक्शन 3 सेज के जो 8 लोग बताए, दोज 8 पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर आया सेक्शन 4 कि यार रुको, वो लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं फॉर दीज पर्पसेस। इसके अंदर मैं आपको समरी करके बताऊं तो अगर आपने कोई भी जेन्युइन कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया है जहां पे आपने गुड्स दिए हैं सर्विसेज दिए उसके लिए पैसा आ रहा है आप ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो आपका स्टाइपेंड लास्ट वाला पॉइंट है कि स्टाइपेंड वगैरह का पैसा ले सकते हो या फिर गिफ्ट वगैरह लिमिट के अंदर स्पेसिफाइड है तो आप ले सकते हो एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो सेक्शन 3, सेक्शन 4 डन। सेक्शन 3 क्या कहता है, प्रोहिबिशन, ये 8 लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। सेक्शन 4 कहता है पर्सन टू होम सेक्शन 3 शेल नॉट अप्लाई, हो गया। सेक्शन नंबर 5 आता है प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। तो अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो मस्ती से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इनका तो पॉलिटिकल नेचर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं पूरा क्लियरली या फिर इनका क्लियरली एक इंक्लिनेशन दिखता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ तो इनको भी अलाउ नहीं करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। देखो क्या लिखा है, एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 3, अभी सेक्शन 3 में कवर्ड नहीं है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी तरफ टुकुर टुकुर देखा और देख के सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट मे नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, कि ये ऑर्गेनाइजेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, but their activities and ideologies propagated by them may be such as to be closely aligned with that of a registered political party. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि भले ही ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, इवन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, बट देयर आइडियोलॉजीज एंड एक्टिविटीज क्लियरली सजेस्ट देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी. तो इन सर्कमस्टेंसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देंगे एक नोटिस विद ग्राउंड्स कि इस कारण से हमें लगता है कि आपको हम पॉलिटिकल नेचर का बताना चाहते हैं. वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन देंगी, उनको देना है कि हमें मत करो आप जो भी वो कहना चाहती है विद इन 30 डेज. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इमीडिएटली पास कर सकता है ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट के, पास कर दिया ऑर्डर, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. तो सबसे नोटिस दिया, उनका रिप्रेजेंटेशन है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया नहीं हम तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है पास करके ऑर्डर, बात खत्म. ठीक है, इस बीच एक ऑप्शनल चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर लगता है कि यार हम कंफ्यूज हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इवन टेक द हेल्प ऑफ एन अथॉरिटी. तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो आया था, रिप्रेजेंटेशन जो आया था इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस अथॉरिटी को सेंड कर सकते हैं, अथॉरिटी की रिपोर्ट आएगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपना ऑर्डर पास करेगा. तो दिस लास्ट वन इज एन ऑप्शनल थिंग, जरूरी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ यार नहीं हमें तो इनको डिक्लेयर करना ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली पास कर सकते हैं ऑर्डर, डिक्लेयर कर सकते हैं उनको एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं 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 यार हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो अथॉरिटी को रिपोर्ट भेज सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, और अथॉरिटी के रिपोर्ट के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें डिक्लेयर करना है या नहीं. जब डिक्लेयर किया जाता है तब ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है. सो दैट इज सेक्शन 5. सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. चलो सेक्शन 5 क्या जाता है, सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. 100% फोकस चाहिए कि ये कोई भी व्यक्ति मजे से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर सकता है क्या. देखो क्या लिखा है, सबसे पहले prior permission of central government is required before accepting foreign hospitality while visiting any country by or territory outside India by. कि ये जो पांच लोग हैं, ये पांच लोग अगर abroad में foreign hospitality लेना चाहते हैं तो इन्हें central government का approval लेना होगा. ये पांच लोग अगर foreign hospitality लेना चाहते हैं तो इनको central government का approval लेना होगा. कौन पांच लोग? Member of any legislature, ऑफिस बेरर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. देखो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना ले सकती है, थोड़ी कि भाई सबको लेके जा रहे. ऑफिस बेरर्स कुछ जा रहे होंगे तो उनको अलाउड नहीं है, जजेस को अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अलाउड नहीं है, एंड एम्प्लॉयज ऑफ एनी कॉर्पोरेशन एनी अदर बॉडी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. ये पॉइंट्स आपको वहां पे भी दिखे थे जिनपे सेक्शन 3 में फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड है. उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया कि आप लोग अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेते हो तो आप नहीं ले सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6. सेक्शन 3 सेज प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. तो सेक्शन 3 कहता है कि वो आठ लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. सेक्शन 6 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. तो ये कह रहे हैं कि ये पांच लोग ले सकते हैं विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड अगर ये पांच लोग लेना चाहते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. अब देखो ये ऊपर वाला क्या बोल रहा है, ऐसे ना देख मुझे, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर आया हूं. तो कहने का मतलब है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज नॉट प्रोहिबिटेड, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज नॉट प्रोहिबिटेड, बट इट इज जस्ट दैट प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. वंडरफुल. उसके बाद में क्या देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से. उसके बाद में अरे सुनो 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 सुनो, मैं कहीं अब्रॉड गया था और मुझे लग गई, तो क्या मैं पहले प्रायर परमिशन लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेना होगा फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना है. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का डेफिनेशन पढ़ा है, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, याद आ रहा है. तो यार अगर मेरे को बाहर कभी लग गई तो मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे परमिशन दे दो, मुझे यहां पर एक व्यक्ति से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेनी पड़ रही है. मुन्ना भाई की बात हो जाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि अगर एक आदमी मर रहा है तो क्या फॉर्म भरना जरूरी है क्या? अरे कहने का मतलब यह है कि इफ ऑल पर्सन नीड्स मेडिकल एड अर्जेंटली, राइट? तो यार वो प्रायर परमिशन लेके फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कैसे लेगा? अगर कोई व्यक्ति फॉरेन विजिट पे है और वहां पे उसे कुछ हो जाता है, ध्यान रखना इंडिया में कुछ हो जाता है फॉरेन जा रहा है नहीं, अगर वो फॉरेन में ही है वहां अगर कुछ हो जाता है और मेडिकल उसको एड चाहिए अर्जेंटली, तो वहां पे एक एक्सेप्शन बनाया गया है, देखना स्पेशल केस. स्पेशल केस में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति है जो फॉरेन विजिट पे था और वहां पे उसे कुछ हो जाता है तो वो विदाउट प्रायर परमिशन मेडिकल एड ले सकता है, लेकिन मेडिकल एड लेने के बाद में उसे पूरे डिटेल्स गवर्नमेंट को भेजने हैं, सोर्स के किसने मेडिकल एड दिया एंड अमाउंट जो मेडिकल एड आया और किस तरह से मेडिकल एड का अमाउंट खर्च हुआ. तो एक एक्सेप्शन है प्रायर परमिशन को लेके, दैट द जनरल रूल इज दैट यू हैव टू टेक अ प्रायर अप्रूवल इन सबको, लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन दिया है कि इस केस में ये लोग विदाउट प्रायर अप्रूवल भी गो अहेड कर सकते हैं अगर मेडिकल एड चाहिए तो, एंड यू आर ऑलरेडी देयर इन फॉरेन कंट्री. इंडिया में लगी फॉरेन में जा रहे हो नॉट कवर्ड, फॉरेन में है और वहां पे मेडिकल एड अर्जेंटली चाहिए तो आप विदाउट प्रायर परमिशन ले सकते हैं. बट उसके बाद आपको पूरे डिटेल्स देने होंगे, सुना ध्यान से. उसके बाद ये चल रहा है अभी तक सेक्शन 6.
फॉलोइंग केसेस नीड नॉट बी सबमिटेड फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन टू एक्सेप्ट फॉरन हॉस्पिटैलिटी। फिर उन्होंने कह दिया कि ये कुछ लोगों को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल भी ये लोग फॉरन हॉस्पिटैलिटी इंजॉय कर सकते। देखो कितने खुश हैं, वी डोंट नीड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। सेक्शन 6 क्या कहता है कि ये 5 लोगों को फॉरन हॉस्पिटैलिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। उसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ लिया, मेडिकल एड के लिए चाहिए। अब बता रहे हैं कि कुछ केसेस में नहीं चाहिए। कौन से केसेस में नहीं चाहिए? पहला, वेयर द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑन द प्रपोज्ड फॉरन ट्रिप विजिट इज बीइंग मेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू। तो कहने का मतलब है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमारा पीएसयू ही होल्ड कर रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू ही पूरा आपका एक्सपेंडिचर बेयर कर रहा है तो अप्रूवल क्या लोगे, वही तो आपको भेज रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर द प्रपोज्ड फॉरेन विजिट इज बीइंग अंडरटेकन बाय अ पर्सन इन हिज और हर पर्सनल कैपेसिटी एंड द एंटायर एक्सपेंडिचर देयर इज बीइंग मेड बाय द पर्सन कंसर्न। भैया जी मैं भले ही जज हूं, मैं सिंगापुर घूमने जा रहा हूं अपने पैसे से, इसमें आपको पूरा हिसाब देना पड़ता है बाद में, वो हमारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है, लेकिन मैं अगर अब्रॉड घूमने जा रहा हूं अपने खर्चे पे तो मुझे भैया जी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वहां कोई अगर बुला के फॉरन हॉस्पिटैलिटी दे रहा है तो अप्रूवल लेना है, मैं खुद के खर्चे पे जा रहा हूं फॉर अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, वेयर द फॉरन हॉस्पिटैलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन इंडियन नेशनल लिविंग इन फॉरन कंट्री। अगर आपको फॉरन हॉस्पिटैलिटी दे रहा है एक इंडियन नेशनल लिविंग इन फॉरन कंट्री तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल एक जज है, ठीक है, जज के भैया रहते हैं यूएस में, उन्होंने इनको बुला लिया है एक महीने के लिए, जा सकते हैं। तो ये खर्चा खुद बैर कर रहे हैं या फिर एक ऐसा व्यक्ति बैर कर रहा है हु इज एन इंडियन नेशनल तो भी चलेगा। नेक्स्ट, केसेस इन्वॉल्विंग एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट ऑन सैलरी फी और रेम्युनरेशन, कि अगर आप किसी असाइनमेंट पे अब्रॉड जा रहे हैं तो भी चलेगा ना, असाइनमेंट पे अब्रॉड जा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको सैलरी वगैरह वहां से मिल रही है। केसेस इन्वॉल्विंग फंडिंग ऑफर्ड बाय एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन एनेक्सा 2, तो इस एक्ट का एक एनेक्सा है, वहां पे कुछ एजेंसीज का नाम लिखा है, उन्होंने अगर आपको बुलाया है तो भी आपको अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, केसेस इन्वॉल्विंग विजिट्स अंडरटेकन बाय मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर बायलेटरल एक्सचेंज। दो पॉइंट है, दोनों कंफ्यूज करेंगे, ध्यान से क्या लिखा है यहां पे सुनना, कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर बायलेटरल एक्सचेंज, बायलेटरल एक्सचेंज के तहत इंडिया के डेलीगेशन वहां जा रहे हैं, वहां का डेलीगेशन यहां आ रहे हैं, बायलेटरल एक्सचेंज के तहत इंडिया के डेलीगेशन वहां जा रहे हैं, वहां का डेलीगेशन यहां आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड, उसमें भी अप्रूवल नहीं चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडर बायलेटरल अग्रीमेंट भी अगर विजिट्स हो रहे हैं तो बायलेटरल एक्सचेंज के तहत भी अगर जा रहे हैं तो भी अप्रूवल नहीं चाहिए, और बायलेटरल अग्रीमेंट के तहत भी विजिट्स हो रहे हैं जहां पर रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट का अप्रूवल ले लिया है तो भी आपको गवर्नमेंट का वापस अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अरे देखो ये कितने खुश दिख रहे हैं क्लास में, बाकी कितने खुश दिख रहे हैं, वी डोंट नीड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो सबसे पहले सेक्शन 6 का कहता है कि अगर इन 5 में से किसी भी व्यक्ति को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करनी है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी है, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी। फिर उसका एक्सेप्शन आ गया मेडिकल एड, फिर कहते हैं कि इन लोगों को प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है, अप्रूवल ही रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट लास्ट इज केसेस इन्वॉल्विंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रेनिंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, कि अगर कोई ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा रहे हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो कि इस डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर रखा है तो भी आपको अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझना, मैं वापस रिपीट करूं कि आपको इन पॉइंट्स को रट्टोफाई नहीं करना है, मेरे साथ बस इन पॉइंट्स को अच्छे से एक बार समझ लेना है समझ में, ताकि अगर एग्जाम के किसी क्वेश्चन में पॉइंट को उन्होंने फेंका तो आप चिपक जाओगे, भैया 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 इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एक व्यक्ति खुद के खर्चे पर जा रहा है नहीं नहीं उसको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक व्यक्ति को इंडियन नेशनल बुला रहा है अप्रूवल करनी है, बायलेटरल एक्सचेंज के तहत जा रहा है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बायलेटरल अग्रीमेंट के तहत जा रहा है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसी असाइनमेंट पे जा रहा है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एजेंसीज अंडर एनेक्सा 2 बुला रहे हैं अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कुछ केसेस में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट व्हाट, सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पे जो रिस्ट्रिक्शन है, तो उन 5 लोगों को अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी चाहिए तो प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, लेकिन इन केसेस में ये लोग कितने खुश दिख रहे हैं भैया, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती। That is section number 6. Wonderful. Focus here. Section number 7. Prohibition to transfer foreign contribution to other person. कि किसी व्यक्ति ने कायदे से foreign contribution लिया, वो अब आगे अगर देना चाहता है, भैया जी नहीं दे सकता। देखो क्या लिखा है यहां पे। Focus करना, बहुत आसान से। No person who is registered and granted a certificate or is obtained prior permission under this act and receives any foreign contribution. एक व्यक्ति, अब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, सेक्शन में 11 के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, तो एक व्यक्ति जिसने रजिस्टर कर लिया खुद को या फिर उसने प्रायर परमिशन ले लिया है और उसने फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है, किसी व्यक्ति को फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है तो उसके पास दो रूट होते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन करा लिया और प्रायर परमिशन ले ले। तो अगर एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है या फिर उसने प्रायर परमिशन ले लिया है एंड देयर आफ्टर द पर्सन इज एक्सेप्टिंग फॉरन करेंसी, देयर आफ्टर अ पर्सन इज एक्सेप्टिंग फॉरन करेंसी एंड दिस फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, देन दिस फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिसीव्ड, नो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और obtained prior permission and received any foreign contribution, इसने receive कर लिया, shall transfer such foreign contribution to other person, लेकिन वो transfer नहीं कर सकता, उसके आगे कुछ limit दे रखी है, देखना ध्यान से, provided that, सुनना, provided that such person may transfer
with prior approval of central government, a part of such foreign contribution to any other person who has not been granted a certificate under this act in accordance with the rules made by central government. सुनना बहुत carefully, बहुत बारीक point पढ़ा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना. क्या रुको, इससे निकल के आपको समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर तरीके समझेगा. डिस्कार्ड कर दिया मैंने, मैं गया इधर. चार्ट ये रहा हमारा, चार्ट ये वाला चार्ट. फोकस करना अच्छे से, बहुत अच्छे से. अगर एक व्यक्ति ने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया, दिस गाय वॉज रजिस्टर्ड, सर्टिफिकेट परमिशन लेके इसने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया, एंड दिस पर्सन ट्रांसफर्स द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. सुनना, नाउ द क्वेश्चन इज कि जिसको ये ट्रांसफर कर रहा है वो रजिस्टर्ड है या वो अनरजिस्टर्ड है. जिसको ये ट्रांसफर कर रहा है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है. अगर वो अनरजिस्टर्ड को ट्रांसफर कर रहा है, सो द लिमिट इज व्हाट, अप टू 10% ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. जो टोटल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन व्यक्ति ने रिसीव किया था उसका अप टू 10% वो दे सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को. ये 10% पर फाइनेंशियल ईयर चेक की जाती है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया उसका मैक्सिमम कितना, 10% आप आगे दे सकते हो. ठीक है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो समझो, अगर एक व्यक्ति जिसने रूल से अप्रूवल लेके, सर्टिफिकेट लेके या प्रायर परमिशन लेने के बाद में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है, वो एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, अनरजिस्टर्ड मतलब जो एफसीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, ये व्यक्ति एफसीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को वो अपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट दे सकता है, लेकिन कितना, 10% एग्रीगेट 10% द एंटायर फाइनेंशियल ईयर दे सकता है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सर अनरजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड को देना चाहता है हु हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो वो दे सकता है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, विदाउट एनी लिमिट. तो अगर एक व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड है, उसने लिया है विद प्रायर परमिशन लिया है, ठीक है, वो अगर एक रजिस्टर्ड को देना चाहता है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, विदाउट एनी लिमिट दे सकता है. लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड को देना चाहता है तो वो अप टू 10% दे पाएगा और विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे पाएगा. ये बात ध्यान रखनी. चलो वंडरफुल, कहां तक पहुंच गए थे? ओफो, चलिए, यस पीपल, वी आर ऑल सॉर्टेड. चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट कनेक्ट द चार्जर. आप सेक्शन 8 को रीड करो, सेक्शन 8 रीड करो तब तक. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट कनेक्ट द चार्जर. वोहो, So, हमने क्या किया, सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 हो चुका है हमारा अभी तक. ठीक है, सेक्शन नंबर 8 के ऊपर है कि कोई भी व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव या स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज नहीं कर सकता. तो यहां पे स्पेकुलेटिव पर्पस तो क्लियरली मना कर दिया कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ऊपर नीचे हो रहा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट हो सकता है, देयर इज एनी काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, वहां पे आप अपना पैसा लगा नहीं सकते, दैट इज वन एस्पेक्ट. और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर लिमिट दे दिया है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मैक्सिमम कितना, 20% तक अमाउंट खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए खर्च नहीं कर सकते. फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उन्होंने कह दिया कोई भी जगह अगर आप काम कर रहे हैं, वहां का रेंट है, वहां का कोई भी पावर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वहां पे आप जो छोटी मोटी सैलरीज वगैरह पे कर सकते हैं, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव में, रिपेयर वगैरह का खर्चा हो गया, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आता है. लेकिन मान लीजिए अगर एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स को सैलरी दे रहे हैं, वो मेन खर्चा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है. एक स्कूल है, टीचर्स को पैसे दे रहे हैं, वो मेन खर्चा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है. तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है, नहीं होता, ऐसी लिमिट दी. तो इस सेक्शन ने दो ही बात बोली कि अगर सेक्शन 8 कहता है कि जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है वो स्पेकुलेटिव के लिए तो बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकते, आप स्पेकुलेटिव में तो लगा ही नहीं सकते. स्पेकुलेटिव मतलब जहां पे उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स कहीं नहीं लगा सकते. ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसी जगह जहां पे वैल्यू चेंज नहीं होता, डेट सिक्योरिटीज लगा सकते हो. तो जहां पे भी रिस्क है वैल्यू के ऊपर नीचे, चिट फंड्स वगैरह नहीं लगा सकते, जहां पे वैल्यू ऊपर नीचे होने का रिस्क है वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. क्लियर है, स्पेकुलेटिव नहीं कर सकते. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप मैक्सिमम 20% तक लगा सकते हो, ज्यादा नहीं लगा सकते. एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा खर्चे जो रेगुलर खर्चे होते ना, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, पावर बोलो, रिपेयर बोलो, रेगुलर सैलरी बोल दो, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में आती है, यहां मैक्सिमम 20% कर सकते हो. क्लियर है, फिर मैंने दो स्पेसिफिक एग्जांपल की, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने हॉस्पिटल खोला है, हॉस्पिटल में बाकी लोगों की सैलरी वगैरह, रिपेयर वगैरह, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन डॉक्टर्स की सैलरी इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो मेन खर्चा है. स्कूल खोला, टीचर्स की सैलरी इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मेन खर्चा है. तो अगर सेक्शन 8 कहता है कि आप स्पेकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं कर सकते और एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम पर मैक्सिमम 20% कर सकते हो. फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन सर्टेन केसेस. ये क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है इन 5 केसेस के लिए, इन 5 कारणों में, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि शुभम सुक्लेचा ने, कोई भी व्यक्ति शुभम सुक्लेचा ने अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, दिस विल प्रीजुडिशियली इफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए नुकसान दे होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नुकसान दे होगा,
फ्रीडम ऑफ फेयरनेस ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर के लिए नुकसान देगा, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट इसके लिए नुकसान देगा, या हार्मनी बिटवीन रिलीजियस सोशल सोशल लिंग्विस्टिक इनमें से किसी भी ग्राउंड पे जो हार्मनी बनी हुई है ये बिगड़ेगी। अगर ये व्यक्ति फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहा है और ये पांच में से कोई भी केस में नुकसान हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझ पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप नहीं ले सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट पांच तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, प्रोहिबिट करेगा भैया आप फॉरेन करेंसी ले ही नहीं सकते, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले नहीं सकते, या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो ओनली विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। फॉरेन हॉस्पिटल में मैं उन पांच में कवर्ड नहीं हूं, मैं सेक्शन 3 के उन 8 में कवर्ड नहीं हूं, सेक्शन 6 के उन 5 में कवर्ड नहीं हूं, फिर भी मुझ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, या फिर आपने कोई भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ली तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहा है और उसमें ये पांचों में नुकसान हो रहा है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रीडम और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट और द हार्मनी बिटवीन रिलीजियस रेशियल सोशल लिंग्विस्टिक और सिमिलर चीजें, इसके अंदर अगर हैम्परिंग हो रहा है तो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर, इन सर्कमस्टांसिस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है भैया जी आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लोगे, लोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से लोगे, आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से लोगे, और कोई भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हो तो आप हमें इन्फॉर्म करोगे, सेक्शन 19। फिर आता है देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये मैंने जो आपको ऑर्डर्स बताए ये पांच ऑर्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकता है। फिर आता है सेक्शन 10, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने करेंसी रिसीव की है इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ऑर्डर पास कर सकता है कि भैया जी आप इसे यूज नहीं कर सकते, आप इसे यूज नहीं कर सकते, डिस्पोज नहीं करोगे, डील नहीं करोगे, रुकोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के फर्दर ऑर्डर्स के लिए। सेक्शन 10 हो गया, मैं आपको क्या कहता हूं मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं अगर आप सेक्शन 3-10 टिप्स पे नहीं है। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prohibition to accept foreign contribution, 4, person on whom section 3 shall not apply, 5, any organization to be notified as organization of political nature, 6, restriction on acceptance of foreign hospitality, 7, any person not to transfer foreign contribution to another person, 7, 8, foreign contribution not to be used for administrative purpose and speculative purpose, 9, jo abhi hum padh kar aaye 9th wala, power of central government to prohibit receipt of foreign contribution on specific person, and 10 jo abhi humne padha Power to prohibit the payment of currency received in contravention of the act. क्या आपके contravention में आ गया, उसका bargain में आ गया। तो I hope each and everyone is super sorted up till section में 3-10. अरे नहीं, yes बोलो, yes बोलो, yes बोलो यारों। 3-10 एकदम sorted, 3-10 दिमाग में बैठ चुके हैं। So then we change the gear and we go to the next chapter. Next chapter मतलब FCRA Act में chapter 1 हो गया, chapter 2 हो गया, chapter 3 की chapter 1 में क्या दो ही sections हैं ना? क्या short title, extended commencement, right? And section number 2 definition. फिर section number 3-10 हमने पढ़ा। अब हम जाते हैं 11-16 के ऊपर। 11-16 जनरली टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन, 100% फोकस यहां पे। चलिए नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3 रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या है 11, 12, 13, 14, 15, 16, बहुत आसान। 11 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन, 11 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है कि कुछ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के दो रूट से जिसमें आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 11 में आप अप्लाई करते हैं, 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देता है, 13 में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकता है, 14 में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को कंसल्ट कर सकता है, 14A में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को सुरेंदर कर सकता है, उसके बाद में 15 में अगर किसी के सर्टिफिकेट को कंसल या सुरेंदर कर दिया गया है, किसी के सर्टिफिकेट को कंसल या सुरेंदर कर दिया गया है तो उसके फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ क्या होगा, ये 15 में लिखा है। एंड 16 में रिन्यूअल का प्रोसीजर है, पूरे क्लास का फोकस यहां पे। सेक्शन में 11 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 11 में आप अप्लाई करोगे, 12 में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 13 सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट, पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कैंसिल करना तो उस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को सरेंडर कर सकती है, ठीक है। 14 हो गया आपका क्या, कैंसिलेशन, 14A सुरेंडर, क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल करी तो 14 में हुआ। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो सर्टिफिकेट है हम सरेंडर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं 14A में, वंडरफुल। उसके बाद में आता है आपका 15, कि अगर किसी का सर्टिफिकेट सरेंडर या कैंसिल हो चुका है, किसी का सर्टिफिकेट अगर सरेंडर कैंसिल हो चुका है तो किसी का सर्टिफिकेट अगर सरेंडर या कैंसिल हो चुका है, किसी का सर्टिफिकेट अगर सरेंडर या कैंसिल हो चुका है तो उसके फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे मैनेज किया जाएगा। एंड 16 टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, बिकॉज जो ऊपर सर्टिफिकेट मिलता है 5 years का मिलता है तो उसका रिन्यूअल का प्रोसीजर, सुपर इजी प्रोविजन, फोकस है, वंडरफुल। सबसे पहले सेक्शन 11 पे आ रहे हैं, ऊपर 12 नहीं, 11 पे ध्यान दो, 11 है रजिस्ट्रेशन। देयर आर टू मोड्स ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी को भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, दो मोड्स हैं। क्या दो मोड्स हैं, फोकस करना। पहला, आप रजिस्ट्रेशन कर लो,
एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर आप मस्ती में फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते रहो जितना लेना है, और ईयर एंड पे बता दिया करो बस कि हाँ इतना इतना लिया है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 18 इंटीमेशन के अंदर कि आप क्या करो, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो उसके अंदर बस आप इंटीमेट करते लो इतना इतना लिया, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इज अगर आपको वन टाइम ही एक्सेप्ट करना है तो बाय प्रायर परमिशन भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। सो देयर आर टू मोड्स ऑफ एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। द फर्स्ट मोड इज बाय रजिस्ट्रेशन, दैट इज अ परमानेंट काइंड ऑफ नेचर। सेकंड वन इज बाय प्रायर परमिशन, वन टाइम तो प्रायर परमिशन ले लो, सिंपल। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बाय रजिस्ट्रिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय ऑब्टेनिंग वन टाइम अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है कुछ क्लास ऑफ लोगों को, कुछ एरिया को, कुछ पर्पस को, कुछ सोर्सेस को जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है कुछ पर्सन को, कुछ एरिया को, कुछ पर्पस या कुछ सोर्सेस को कि इन लोगों ने विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है। और उसके बाद में एक सिंपल सा नोट आता है कि अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार इसको हमने सर्टिफिकेट दे दिया या अप्रूवल दे दिया है, इसको हमने सर्टिफिकेट या अप्रूवल दे दिया है मगर बाद में लग रहा है कि यार ये तो लॉ वायलेट कर रहा है या लॉ वायलेट करेगा, ये तो रॉन्ग नंबर है, ये तो लॉ वायलेट करेगा, ये तो रॉन्ग नंबर है, ये तो लॉ वायलेट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सर्टिफिकेट को जब्त कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। फोकस करना अच्छे से, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसने तब तक थोड़ा ही कॉन्ट्रीब्यूशन लाया था तो उस पर भी स्टे लगा सकती है। फोकस करना। 11 का फॉर्मेट देखो, सेक्शन 11 में क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति है इस व्यक्ति को चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 11 में हूं अभी मैं कि एक व्यक्ति को अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो उसके दो मोड्स हैं, या तो रजिस्ट्रेशन करा ले या प्रायर अप्रूवल के लिए अप्लाई करे, तो वो कर सकता है इन दीज टू फॉर्म्स। फोकस करना, फॉर्म 3A फॉर्म 3B के लिए वो इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि अगर उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना, प्रोसीजर देख रहे हैं, ठीक है। साथ में उसको देना होता है एक एफिडेविट, इसके अंदर क्या है, एफिडेविट क्या शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय Each office bearers and key functionary and members in performa A. तो performa A में उनका affidavit है, it should be executed by each office bearer and key functionary and members. इन्होंने execute करना affidavit. तो ठीक है भैया जी, हम अगर कभी भी apply कर रहे हैं for section 11 के अंदर permission approval के, हमें certificate दे दो या prior permission दे दो, तो form FC3A या form FC3B में apply कर सकते हैं। सर 3A कब आएगा, 3B कब आएगा? अगर आप registration के लिए apply कर रहे हैं, registration certificate के लिए 3A में, और अगर आप one time approval के लिए, prior permission के लिए apply कर रहे हैं 3B में। तो अगर वन टाइम अप्रूवल 3B और आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं 3A के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फोकस करना, ठीक है, इतना सा बस। तो अगर किसी भी व्यक्ति को दोनों में से कोई भी मोड के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो फॉर्म FC3A या फॉर्म FC3B के अंदर अप्लाई कर सकता है। वंडरफुल, अलॉन्ग विद एफिडेविट, ठीक है। अब आता है सेक्शन नंबर 12 के, उस व्यक्ति ने अप्लाई तो कर दिया, देखो उस व्यक्ति ने अप्लाई तो कर दिया। सेक्शन नंबर 12 के अंदर तीन हर्डल है, समझना अच्छे से। सेक्शन नंबर 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी एप्लीकेशन है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली हियर, सेक्शन 12 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी एप्लीकेशन आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे समझो यहां से एप्लीकेशन के लिए व्यक्ति आया है, देयर आर थ्री हर्डल्स। पहला वाला हर्डल क्लियर करना है, दूसरा वाला हर्डल क्लियर करना है, तीसरा वाला हर्डल क्लियर करना है, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट देती है। फोकस करना चाहिए, क्या कहने की कोशिश करें कि किसी भी व्यक्ति को अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको तीन हर्डल्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। व्हाट आर दोस हर्डल्स, अंडरस्टैंड। द फर्स्ट हर्डल, सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंश्योर कि ये जो व्यक्ति है जो अप्लाई कर रहा है वो इन सब में किसी भी पॉइंट में कवर नहीं हुआ, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट में वो व्यक्ति कवर नहीं हो, दिस इज द फर्स्ट हर्डल। तो अगर वो जो व्यक्ति जिसने अप्लाई किया है वो इनमें से कहीं भी कवर नहीं होता है तो फर्स्ट हर्डल पास हो गए। देन कम सेकंड हर्डल, ये पॉइंट्स कंप्लाई होने चाहिए कि ये जो पैसा आ रहा है वो इंडिया की सोवरेनिटी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, ये सारे पॉइंट, सेकंड हर्डल। फिर आता है थर्ड हर्डल कि जो पैसा आ रहा है उससे वो भी इंप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों हर्डल सेटिस्फाई हो जाते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट देता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर अप्रूवल। तो कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले समझ लो, अगर सेक्शन 12 के अंदर अप्लाई कर रहा है, कोई भी व्यक्ति सेक्शन 11 में अप्लाई कर रहा है और सेक्शन 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको सर्टिफिकेट देना है, तो ये तीन हर्डल्स हैं जो कि इंश्योर किए जाएंगे सेक्शन 12 में, ठीक है। सेक्शन 12 के तीन हर्डल्स आते हैं। पहला हर्डल आ रहा है वो व्यक्ति को चेक किया जाएगा, क्या, देखो ध्यान से। पहला, दैट द पर्सन इज नॉट अ पर्सन, नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, रियल व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, द पर्सन हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर कन्वर्जन एक्टिविटीज, रिलीजियस कन्वर्जन होते ना, तो वो रिलीजियस कन्वर्जन के अंदर वो कभी इन्वॉल्व नहीं था। नेक्स्ट, द पर्सन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन कम्युनल टेंशन, कम्युनल टेंशन के काम में वो इन्वॉल्व नहीं था। और एक और चीज है, सेडिशन नहीं करेगा वो इस पैसे से। सेडिशन क्या होता है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को प्रोवोक करना, ये ठोकर है गवर्नमेंट को, कोई मतलब नहीं है, हमको परेशान कर रही है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को प्रोवोक करना, दैट इज सेडिशन। तो पहले तीन कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें समझ लो कि इस पैसे से ये चेक कर रहा है सेक्शन 12 में कि वो व्यक्ति, ये जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है, ये व्यक्ति सेडिशन नहीं करेगा, कम्युनल टेंशन में कभी इन्वॉल्व नहीं था और कन्वर्जन में कभी इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है, तीन हो गए। फिर नेक्स्ट तीन पॉइंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लाइक कि बेनामी तो नहीं है, इसके बाद इसने पहले कभी डायवर्जन या मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड में इन्वॉल्व तो नहीं था, या फिर ये व्यक्ति ने कभी एक्ट को
ये जो पैसा लिया है वो अनडिजायरेबल पर्पसेस के लिए तो यूज नहीं करेगा। तो तीन फाइनेंशियल चीजें हो गई कि बेनामी तो नहीं, व्यक्ति एक्चुअली एग्जिस्ट तो करता है ना, ठीक है यार, इसके ऊपर पहले कभी मिस यूटिलाइजेशन का केस तो नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये अनडिजायरेबल पर्पसेस के लिए तो यूज नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये तीन पॉइंट होगा, तीन कॉन्ट्रोवर्शियल, फिर तीन फाइनेंशियल नेचर के। उसके अंदर दो पॉइंट कि इसने कभी लॉ को वायलेट तो नहीं किया, ऐसा जनरल पॉइंट, द पर्सन इज नेवर कॉन्ट्रीब्यूट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड हैज नॉट बीन प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, कि प्रोहिबिटेड भी नहीं है और उसने कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं किया है। और लास्ट के दो पॉइंट आ जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी लॉ में कन्विक्ट हुआ है, एनी लॉ लिख दिया भैया जी, बहुत बड़ा स्कोप, कोई व्यक्ति अगर किसी भी लॉ में अगर कन्विक्ट हुआ है तो वो व्यक्ति भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, सर्टिफिकेट नहीं ले सकता, रजिस्टर नहीं हो सकता, और कोई भी अदर देन इंडिविजुअल कंपनी वगैरह उनके डायरेक्टर ऑफिस बेरर अगर कभी भी किसी भी लॉ में कन्विक्ट हुए हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। बहुत ही बड़ा स्कोप दिया लास्ट दो पॉइंट के अंदर, एकदम सिंपल तरीके से हम देखते हैं, मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हर्डल में वो चेक करते हैं तीन कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, ठीक है, तीन फाइनेंशियल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, एक्ट को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, प्रोहिबिटेड भी नहीं हो, और किसी भी लॉ के अंदर आप कन्विक्ट नहीं हुए, आप या कंपनी है तो कंपनी के ऑफिस बेरर डायरेक्टर किसी भी लॉ में अगर आप कन्विक्ट नहीं हुए तब फर्स्ट हर्डल कंप्लाई हो चुका है, और अब आप आगे जाके क्या ले सकते हो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। रुको, अभी दो और हर्डल बाकी है, दो हर्डल इजी है। नेक्स्ट हर्डल इज व्हाट, ये कहते हैं कि अगर आप जो ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं दैट इज लाइकली टू इफेक्ट प्रीजुडिशियली व्हाट सोवरेनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट फ्रीडम और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट हार्मनी बिटवीन रिलीजियस रेशियल सोशल लिंग्विस्टिक एंड सिमिलर ग्राउंड्स पे। तो कहने का मतलब है कि आप जो पैसा ले रहे हो उनसे ये जो सिक्स ग्राउंड्स हैं ये क्या प्रीजुडिशियली इंपैक्ट होंगे, ये क्या नुकसान होगा, क्या हमारे सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट को फ्रीडम ऑफ फेयरनेस ऑफ इलेक्शन को फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री या हार्मनी ऑफ द कंट्री, इन सब पे अगर इंपैक्ट आने वाला तो पैसा नहीं लाने देंगे। तो पहला सेक्शन 12 आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, लेकिन वहां पे तीन हर्डल लगाया उसने। पहला हर्डल लगाया कि वो व्यक्ति शुड बी एलिजिबल टू ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स। नेक्स्ट कि आपका पैसा इनमें से किसी के लिए तो यूज नहीं हो रहा है। और थर्ड हर्डल काफी आसान है कि आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हैं दिस शुड नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, कि कोई ऑफेंस इसके कारण इंसाइट नहीं होना चाहिए, एंड शैल नॉट एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। ये लास्ट वाला हर्डल है, सबसे छोटा हर्डल है। तो दिमाग में ऐसे इमेजिन करो यारो, जैसे कि ये व्यक्ति है, इसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, इसने सेक्शन 11 में अप्लाई किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं पहले इस हर्डल को पार करो, फिर इस हर्डल को पार करो, फिर इस हर्डल को पार करो, फिर सर्टिफिकेट लेने के लिए आना। तो व्यक्ति सबसे पहले चेक करता है व्यक्ति एलिजिबल है ना, ओके, पहले वाले पॉइंट में कि वो बेनामी भी नहीं है, वो कभी कम्युनल टेंशन कन्वर्जन सब इन्वॉल्व नहीं था, सारे पॉइंट्स को कंप्लाई करते हैं। फिर ये जो पैसा ले रहे हैं सोवरेनिटी इंटीग्रिटी फ्रेंडली रिलेशंस फॉरेन कंट्री हार्मनी किसी को हैम्पर नहीं कर रहा है। थर्ड हर्डल कि जो पैसा ले रहे हैं दिस विल नॉट रिजल्ट इन इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस और विल नॉट एंडेंजर फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, नहीं हो रहा है। तब ये व्यक्ति जब इन सबको कंप्लाई कर देगा तब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा सर्टिफिकेट। आई होप यू अंडरस्टैंड सेक्शन 12। सेक्शन नंबर 11 दैट अ पर्सन हैज गॉट टू रूट्स टू गेट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक वन टाइम परमिशन के लिए, ठीक है साहब, उसका प्रोसीड गया FC 3A 3B हो गया एकदम आराम से। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर कि भैया जी 12 में वो सर्टिफिकेट कब देगा, सर्टिफिकेट प्रायर परमिशन देगा, ये तीनों हर्डल अगर कंप्लाई कर दिए तो ही। चलिए ब्रीफ प्रोसीजर वापस एक बार, एक व्यक्ति ने फॉर्म 3A 3B इलेक्ट्रॉनिकली भरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक व्यक्ति ने फॉर्म 3A 3B इलेक्ट्रॉनिकली भर दिया। सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसीट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन मे रजिस्टर सच पर्सन विद इन 90 डेज एंड ग्रांट अ सर्टिफिकेट और गिव प्रायर परमिशन। कि जैसे ही व्यक्ति ने फॉर्म 3A या 3B दिया था, डिपेंड करता है ना, वो वन टाइम परमिशन ले रहा है, रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया था अलॉन्ग विद एफिडेविट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 90 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों हर्डल चेक कर लेता है, विद इन 90 डेज उसको दे देगा कि आपको रजिस्ट्रेशन दे रहे या नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे तो रीजन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, जो सर्टिफिकेट आपको दिया दैट विल बी वैलिड फॉर 5 years। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे सर्टिफिकेट दे, दैट विल बी वैलिड फॉर 5 years, 5 साल तक मस्ती से आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, बट एवरी ईयर के एंड में आपको सेक्शन 18 के तहत बताना होगा, दैट इज ओके। और अगर आपने वन टाइम परमिशन लिया तो उस परमिशन के ऑब्जेक्टिव के लिए जो वन टाइम लिए वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इन केस रिफ्यूज करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रीजन देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया सेक्शन नंबर 12, समझना अच्छे से। सेक्शन नंबर 11, एक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए, दो मोड्स हैं, या तो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो या फिर आप वन टाइम परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रायर अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हर्डल चेक करता है तीन और उसके बाद में आपको देगा, जो सर्टिफिकेट देगा 5 years के लिए वैलिड रहता है, इजी टू गो। और अगर नहीं देगा, रिजेक्ट करता है विद इन 90 डेज, नहीं दे रहा है तो रीजन देगा, वंडरफुल। फिर आता है सेक्शन 13, अब इजी आ गया, सस्पेंशन। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहे, उसको लगता है कि आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल करना है, तो जब आपका कैंसिलेशन कंसिडर किया जा रहा है उस दौरान के लिए आपके सर्टिफिकेट को सरेंडर कर, आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन मैक्सिमम हो सकता है 180 डेज के लिए, ठीक है। तो जब आपका
सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन कंसिडर हो रहा है उस दौरान के लिए आपका सर्टिफिकेट कैंसिल करने का सोच रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, कैंसिल किस ग्राउंड पे करेगा कैंसिलेशन में पढ़ाऊंगा मैं, कैंसिलेशन करना कंसिडर कर रहा है उस दौरान आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जा सकता है, मैक्सिमम सस्पेंशन उसका 180 डेज के लिए। जब आपका सस्पेंशन होगा उसका मतलब है उस दौरान आप कोई भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ले नहीं सकते, जो लिया हुआ है उसको आप यूटिलाइज भी नहीं कर सकते, राइट। लिमिट के अगर आप लिमिट के आसपास यूटिलाइज करना चाहते हो चलेगा, अदरवाइज आप यूटिलाइज भी नहीं कर सकते, फोकस करना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिमिट दे रखी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कितना यूटिलाइज कर सकते हो, सुना ध्यान से। अगर आप पे सस्पेंशन लग गया है तो आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते, जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया था उसको आप 25% तक यूटिलाइज कर सकते हो विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। सस्पेंशन के दौरान आप 25% ऑफ जो आपने रिसीव कर लिया था, जो भी आपके पास में है जो यूटिलाइजेशन करना है उसका 25% आप यूटिलाइज कर सकते हो ड्यूरिंग सस्पेंशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, राइट। 75% तो आप सस्पेंशन हटने के बाद ही करोगे, एंड सस्पेंशन मैक्सिमम हो सकता है 180 डेज का। फिर आता है कैंसिलेशन। अब सुना ध्यान से, कैंसिलेशन किन ग्राउंड्स पे होते हैं, ये पांच ग्राउंड पे, ये पांच ग्राउंड दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, ये पांच ग्राउंड पे आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। क्या? पहला पॉइंट, आपने इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट दिया था इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन और इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, के रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 11 में एप्लीकेशन दिया, रिन्यूअल के लिए सेक्शन 16 में एप्लीकेशन दिया, तो जब आपने वो एप्लीकेशन दिया था उस दौरान आपने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, या फिर आपने वायलेट कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट और रिन्यूअल, आपने इन्फॉर्मेशन गलत दिया, या फिर आपने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिन्यूअल या जो सर्टिफिकेट उसको वायलेट कर दिया, या फिर आपने एक्ट को ही वायलेट कर दिया, यू हैव वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द ऑर्डर, ये तीन चीजें की तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। वापस तीन चीजें क्या हो गई, पहली चीज क्या, आपने सर्टिफिकेट लेने के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी। दूसरा, आपने जब आपको सर्टिफिकेट दिया है रिन्यूअल दिया तब जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो आपने वायलेट कर दिए, या फिर आपने एक्ट को ही वायलेट कर दिया, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ, इफ द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी फॉर 2 ईयर्स, आपने सर्टिफिकेट लिया और दो कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक आपने कुछ एक्टिविटी की ही नहीं, डिफंक्ट हो गए आप, तो उस केस में भी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। द लास्ट पॉइंट इज, इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सर्टिफिकेट हटाना तो भी हटा सकते हैं। ये पांच केसेस में आपके सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकते हैं, पांचों केसेस दिमाग में बैठाना। मैं जनरली क्या कह रहा था, आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आना चाहिए, केस स्टडी क्वेश्चन आंसर कर दो, लेकिन ये पांच पॉइंट तो आपको अच्छे से दिमाग में याद भी रहना चाहिए। ये पांच केसेस में आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है, किन पांच केसेस में, आपने सर्टिफिकेट को अप्लाई करते टाइम या रिन्यूअल के टाइम पे, सर्टिफिकेट को अप्लाई करते टाइम या रिन्यूअल के टाइम पे कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। आपने सर्टिफिकेट लेते टाइम या उसके रिन्यूअल के टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको वायलेट किया है, आपने एक्ट को वायलेट किया है, होल्डर ने सर्टिफिकेट तो ले लिया बट टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक कुछ एक्टिविटी नहीं की है, डिफंक्ट हो चुका है। और लास्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सर्टिफिकेट कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड आता है, आज सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ 3 सालों तक आप वापस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक बार सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ 3 सालों तक आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है सुरेंद्र, भाई साहब कैंसिल हो गया, सुरेंद्र की बात कर, सुरेंद्र कोई भी व्यक्ति को मस्ती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि मैं सुरेंद्र करना चाहता हूं अपने सर्टिफिकेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि इसने कोई एक्ट कॉन्ट्रवीन तो नहीं किया है, नहीं किया है तो आपके सरेंडर को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। 15 आता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरन करेंसी ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी पर्सन हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड और सरेंडर्ड, तो कोई भी एक व्यक्ति है सेक्शन 15 के अंदर जिसका सर्टिफिकेट कैंसिल या सरेंडर हो चुका है उसके फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, तो सिंपल तरीके से कहते हैं, फोकस करना चाहिए कि जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, यस पीपल, कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है ये अथॉरिटी के हिसाब से चलेगा, फोकस करना अच्छे से, शेल वेस्ट इन द बैंकिंग अथॉरिटी, जो आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपने ले लिया था यूटिलाइज नहीं किया था और अब आपका सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो गया या सरेंडर कर दिया आपने, तो दिस विल बी इन द कंट्रोल ऑफ बैंकिंग अथॉरिटी, ठीक है। आपको मैं सेक्शन 17 में पढ़ाऊंगा, बताए इंडिया के बाहर से कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो मैंडेटरली SBI न्यू दिल्ली, अरे नाम दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अकाउंट से रूट होना चाहिए। तो मान लीजिए ऐसी किसी बैंकिंग अथॉरिटी के पास में कोई पैसा बच गया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल और सरेंडर कर चुके हैं, तो वो जो पैसा है वो बैंकिंग अथॉरिटी के पास रहेगा और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बताता है वैसे आगे उसको प्रोसीड नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉजेस भी हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो बैंकिंग अथॉरिटी आपके बिजनेस को मैनेज भी करेगी, जो आपका था एक्टिविटी को कंटिन्यू भी करेगी, और एक्टिविटी को कंटिन्यू करते टाइम शॉर्ट ऑफ फंड्स हो रहा है तो आप ही के कुछ असेट्स में से असेट्स को बेच के भी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकती है। ये सब चीजें होती है कब, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड और सरेंडर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, सिंपल, सुनना बहुत केयरफुली, आपका सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स, तो ये जो आपके लास्ट 6 मंथ्स होते हैं इसमें यू टू एंश्योर यू गेट इट रिन्यूड, तो लास्ट 6 मंथ्स होते हैं उसमें यू टू एंश्योर यू गेट इट रिन्यूड। आज मेरा सर्टिफिकेट है 5 ईयर्स का है, मान लीजिए मुझे जब भी ईयर में मिला था 5 ईयर्स में एक्सपायर होने वाला है, 31 December 2022 एक्सपायर होने वाला है, तो उसके लास्ट 6 मंथ्स में मुझे अप्रूवल ले लेना है, मतलब लास्ट 6 मंथ्स कब, 30th ऑफ जून
को ही मुझे अप्लाई कर देना है, 30th जून पे 6 मंथ्स शुरू हो रहा है ना, और उन 6 मंथ्स में मुझे मेरा रिन्यूअल करा देना है। सो व्हेनेवर, फोकस करना बहुत केयरफुली, व्हेनेवर यू हैव योर रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर होने वाला है उसके लास्ट 6 मंथ्स में ही आपको उसको रिन्यू करा लेना है। सर मान लो लास्ट 6 मंथ्स में रिन्यू नहीं कराए तो क्या होगा? देन योर सर्टिफिकेट विल सीज टू एग्जिस्ट, वो सीज हो जाएगा, फिर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर क्या हम बाद में अप्लाई कर सकते हैं? सुनना, आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को सीज हुआ उसके एक साल तक आप लेट फीस के साथ रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। सो 31 दिसंबर 2022 को एक्सपायर हो रहा था, मैं 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ में अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर है? लेट फीस कुछ 5000 के आसपास है, नॉर्मल फीस 1500 के आसपास है, तो यहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर सर एक्सपायर हो गया और एक साल भी होगा फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको फ्रेश तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप रिन्यू नहीं करा सकते, ठीक है। रिन्यू का प्रोसीजर क्या है? कोई भी व्यक्ति फॉर्म FC3C, FC3A 3B हो गया, 3C में रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देते हैं अलॉन्ग विद एफिडेविट एंड फीस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सर्टिफिकेट रिन्यूअल जो मिलता है वो भी 5 ईयर्स का मिलता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां भी 90 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना, 90 डेज के अंदर वो आपके सर्टिफिकेट रिन्यू कर देगा, एंड द रिन्यूड सर्टिफिकेट इज ऑल्सो वैलिड फॉर 5 ईयर्स। तो ऐसे ही चलता है, 5 ईयर्स का मिला, ये लास्ट 6 मंथ्स में वापस रिन्यू करा लिया, नेक्स्ट 5 ईयर्स भी चला, लास्ट 6 मंथ्स में वापस रिन्यू करा लिया, नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो दैट इज अबाउट सेक्शन नंबर 16, फोकस करना चाहिए। तो व्हाट आर वी डन विद, वी आर डन विद द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 एंड 2 इजी है। फर्स्ट मे को आया है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया पे भी अप्लाई करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंडियन कंपनीज है उनके ब्रांचेस सब्सिडीज पे भी अप्लाई करता है, ये कर लिया हमने चैप्टर 1 के अंदर, डेफिनेशन पढ़ लिया। फिर आया चैप्टर 2 के अंदर, सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10, यहां पे हर एक व्यक्ति क्लियर है। सेक्शन नंबर 3 टॉक्स अबाउट व्हाट? प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेक्शन नंबर 4, पर्सन ऑन होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी नोटिफाइड एज पॉलिटिकल नेचर वाली ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन नंबर 6, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सेक्शन नंबर 7, पर्सन हु हैज रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू सम अदर पर्सन। सेक्शन नंबर 8, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्पेक्युलेटिव पर्पस। सेक्शन नंबर 10 बहुत ही प्रिलिमिनरी टाइप सेक्शंस थे, राइट? सेक्शन नंबर 10 बहुत ही प्रिलिमिनरी टाइप सेक्शंस थे। सेक्शन नंबर 9 में छोटी सी बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति है वो अभी तक सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ऑर्डर करके उसको रोक सकता है। सेक्शन नंबर 10 कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में फॉरेन करेंसी आ गई है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट, तो वो उसके साथ डील नहीं करेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेगा। तो 3 to 10 सबका डन है। हमने 11 to 16 पढ़ा, 11 to 16 में कि कोई भी व्यक्ति इसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है वो अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। दो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन वन टाइम अप्रूवल, अप्लाई करेगा FC3A 3B में, डन, अप्लाई कर दिया उसने। फिर सेक्शन नंबर 12 के अंदर आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देगा, अगर तीनों के तीनों कंप्लायंस कर दिए उसने तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा विच इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। डन। अभी देने के बाद में सस्पेंशन, कि 180 डेज का आपका सस्पेंशन हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कैंसिलेशन कंसीडर कर रही है तो उस दौरान सस्पेंड कर लेती है 180 डेज के लिए। ओके, सस्पेंशन हो गया। सेक्शन नंबर 11, 12, 13 सस्पेंशन, सेक्शन नंबर 14 कैंसिलेशन। उन 5 ग्राउंड पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल भी कर सकता है। सेक्शन नंबर 14 में, सेक्शन नंबर 14 है सुरेंदर। अगर आपको लगता है अपना सर्टिफिकेट सुरेंदर करना है तो आप सुरेंदर कर सकते हैं। 15, अगर आपके सर्टिफिकेट के साथ कंसल हो गया या सुरेंदर हो गया है तो उन सर्कमस्टेंसेस में, आपके सर्टिफिकेट के साथ कंसल हो गया है या सुरेंदर हो गया है तो उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के असेट्स हैं वो कैसे मैनेज किए जाएंगे, तो वो बैंकिंग अथॉरिटी के पास रहते हैं एंड वो हैंडल किए जाते हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो गया सेक्शन नंबर 15। और लास्ट सेक्शन नंबर 16, रिन्यूअल। लास्ट 6 मंथ्स ऑफ योर टेन्योर के अंदर आपको रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी होती है। अगर आपने रिन्यूअल कराना है तो FC3C के अंदर आपको रिन्यूअल कराना होता है अलॉन्ग विद फीस ऑफ 1500 रुपीज। आपको रिन्यूअल अगर आपने नहीं कराया, सीज हो गया, देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सीज होने के विदिन 1 ईयर आप लेट फीस के बाद रिन्यूअल करा सकते हैं, 1 ईयर हो गया उसके बाद आप रिन्यूअल नहीं करा सकते, फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कैंसिलेशन अगर आपका होता है तो 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड है। एक बार आपका सर्टिफिकेट कैंसिल किया है तो 3 साल तक आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते, फ्रेश एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट। आई होप यू आर ऑल विथ मी। सेक्शन नंबर 1 to 16 तक हम सब लोग साथ में, आई होप सो। Wonderful. So without wasting any time, let's go ahead. बस यहां तक खास थे, अब सारे छोटे-छोटे sections हैं। 100% focus on the screen. Section number 17 से आगे बढ़ने वाले हम लोग। अब अगला आता है, next chapter आता है, section number 17 से 22. 21 आपके syllabus में नहीं है, section number 17 से 22. 17 क्या कहता है? Focus करना. Foreign contribution through scheduled bank. Section number 17 क्या कहता है? कि अगर कोई भी, अब सारे छोटे sections हैं, 100% focus on the screen. Section number 17 कहता है, foreign contribution through scheduled bank. कि अगर कोई भी foreign contribution India में आ रहा है, it has to mandatorily route through SBI New Delhi के account.
तो कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में आएगा तो आपको FCRA अकाउंट ओपन करना होता है न्यू दिल्ली SBI के ब्रांच में, और वहीं से रूट होगा। तो उसके बाद में आपको चाहिए कोई और अकाउंट ओपन करना तो ओपन कर सकते हो। कहने का मतलब है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक बार तो सबसे पहले 100% FCRA अकाउंट विद SBI न्यू दिल्ली में आएगा, वहां के एक अकाउंट ओपन कराना है आपको। उसके बाद आपको किसी और अपने किसी और शेड्यूल बैंक के साथ अकाउंट ओपन कराना है फॉर योर कन्वीनियंस, ऑपरेशनल कन्वीनियंस, तो आप कर सकते हो, बट हर एक मैंडेटरी वहां से रूट होगा। क्लियर है? बैंक के ऊपर वहां पर एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ या यूटिलाइज हुआ है तो उनको 48 आवर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। ये दिया है सेक्शन नंबर 17 में कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में आएगा वो SBI से रूट होते हुए ही आएगा। सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट इंटीमेशन, ये मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट इंटीमेशन, ये क्या कहते हैं, रफ आईडी देता हूं कि हर एक व्यक्ति जिसने सर्टिफिकेट लिया है अंडर सेक्शन 12 उसको मैंडेटरली ईयर एंड पे पूरा हिसाब देना है कि इस साल में मैंने इतना फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया, ये मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स, मेरे बैंक ऑफिसर ने इसको अप्रूव भी किया हुआ है, ये मेरे बैलेंस शीट है, मेरे PNL अकाउंट है, ये मेरा रेसिडेंट एक्सपेंडिचर है, मेरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसको सर्टिफाई भी किया हुआ है, देख लो सर। हर एक व्यक्ति इसका सेक्शन 12 का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसने प्रायर परमिशन ले रखी है, उसको इंटीमेशन देना है सेक्शन 18 में मैंडेटरी। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, हर एक व्यक्ति जिसने 12 में परमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे बुक्स मेंटेन करने, इजी। फिर आता है 20 ऑडिट। सुनना, ऐसा मत समझना हर एक व्यक्ति इसने सेक्शन 12 का रजिस्ट्रेशन लिया है उसको ऑडिट कराना है, नहीं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन तीनों में से कहीं पर शक होता है कि एक व्यक्ति जिसने प्रॉपर इंटीमेशन नहीं दिया है, इंटीमेशन ही नहीं दिया, या इंटीमेशन दिया बट इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ नहीं दिया, या फिर उसने जो इंटीमेशन दिए साल भर के उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं इसके ऊपर तो हमें ऑडिट करना होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट करता है और आपका ऑडिट होता है। तो सेक्शन नंबर 20 टॉक्स अबाउट ऑडिट, सबका नहीं होता है। आपने अगर इंटीमेशन नहीं दिए, इंटीमेशन दिए बट अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं दिए, या फिर आपके इंटीमेशन देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि आपने कोई लॉ को वायलेट किया है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर ऑडिट ऑर्डर कर सकता है। एंड 21 आपके सिलेबस में, फिर 22 आता है डिस्पोजेबल ऑफ असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि अगर आपने कोई भी असेट्स को क्रिएट कर दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से और अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया कि बस अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उन असेट्स का क्या होगा, दोज असेट्स विल बी डिस्पोज एज पर लॉ और एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, एज पर लॉ और एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, खत्म। तो सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20, 22 बहुत आसान है, वापस फोकस करना। सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी इंडिया में आएगा SBI अकाउंट से आएगा, और बैंक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, बैंक्स के ऊपर कंप्लायंस है कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है या यूटिलाइज होता है 48 आवर्स में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट इंटीमेशन, कि हर एक व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है उसको एवरी ईयर एंड उसको फॉर्म भर के बताना है सारी डिटेल्स के, मैंने ये इस तरह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, यूटिलाइज किया। उसके बाद में सेक्शन नंबर 19 के अंदर हर एक व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है उसको मेंटेन करने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन नंबर 20 के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करता है उन तीन केसेस में पकड़ जाता है तो उसका ऑडिट होगा। सेक्शन 22 के अंदर अगर असेट्स आपके बच गए तो डिस्पोज होंगे एज पर लॉ और एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर। इंटीमेशन को अच्छे से देखो क्या लिखा है, इंटीमेशन क्या होता है, ये जो मैं इंटीमेशन का सेक्शन 18 है उसको डेप्थ में बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 18 का जो इंटीमेशन है कि कोई भी व्यक्ति जिसने सेक्शन 12 में सर्टिफिकेट या अप्रूवल ले रखा है उसको एवरी ईयर एंड पे फॉर्म FC4 सबमिट करना है, फॉर्म FC4 सबमिट करना है। सर यहां पे FC1 लिखा है, FC1 इज फॉर आर्टिकल्स, अगर आपने आर्टिकल रिसीव किया तो FC1, सिक्योरिटी रिसीव की तो FT1, लेकिन अगर आपने करेंसी अमाउंट रिसीव किया तो FC4। FC4 सबमिट करना है किसके साथ में, देखना ध्यान से, FC4 हैज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद स्कैंड कॉपी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट, अलॉन्ग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन, के सब कुछ सही है। उसके साथ में आपने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है वो आपके बैंक ऑफिसर या फेमा का जो ऑथराइज व्यक्ति है उन्होंने उसको ऑथराइज भी करना है कि हाँ ड्यूली यही पैसा इन्होंने रिसीव किया है। एंड इट ऑल्सो हैज टू इंक्लूड कि अगर आपने फंड्स किसी और को ट्रांसफर किया गया तो उसकी रिपोर्ट। वापस एक बार रिपीट करता हूं, सेक्शन 18 कहता है कि एवरी ईयर हुज गॉट अप्रूवल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 ही हैज टू मैंडेटरली फाइल FC4 फॉर करेंसी, FC1 फॉर आर्टिकल और सिक्योरिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे ईयर एंड होता है उसके 9 मंथ्स में, ईयर एंड होगा उसके 9 मंथ्स में आपको FC4 फाइल करना होता है, FC1 फाइल करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। इसके साथ में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके साथ में आपको अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके साथ में आपको बैलेंस शीट, ये सभी देनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई भी करना है, फिर आपको बैंक के ऑफिशियल से या फिर फेमा के ऑथराइज व्यक्ति से भी सर्टिफाई करना है कि इतना ही पैसा आया था, और अगर आपने फंड्स किसी और को ट्रांसफर किया तो वो भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर कुछ दिमाग में डाउट आ सकते हो, बता देता हूँ कि सर अगर मान लो इस साल हमारे पास रजिस्ट्रेशन था बट हमने इस साल में एक भी पैसा नहीं रिसीव किया तो भी फॉर्म भरना है, हाँ, निल रिटर्न ऑल्सो हैज टू बी फाइल, लेकिन बस निल रिटर्न फाइल कर दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको बैलेंस शीट, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, ये सब आपको फिर साथ में देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो भी रिकॉर्ड्स होंगे दे हैव टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 6 ईयर्स, सेक्शन 18 के रिकॉर्ड्स हैव टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 6 ईयर्स, दैट इज इंटीमेशन अंडर सेक्शन 18। तो हमने क्या पढ़ा लास्ट में, हमने पढ़ा है
ये हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, नहीं 22। 17 में क्या कहा, कोई भी भारत में पैसा आता है तो वो एसबीआई के थ्रू ही आएगा। एसबीआई न्यू दिल्ली के एक अकाउंट होना चाहिए, एफसीआई अकाउंट, उसके थ्रू ही आएगा। उसके अंदर कि कोई भी बैंक के पास पैसा आता है जाता है तो बैंक ऑफ 48 आवर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। फिर आता है सेक्शन नंबर 18 इंटीमेशन, कोई भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन लगता है सेक्शन नंबर 12 के अंदर या प्रायर परमिशन ले रखी है उसको ईयर एंड पे FC4 फाइल करना है अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर बड़ा मेंटेनेंस, सेक्शन नंबर 19 कहता है कि हर एक व्यक्ति जिसने अप्रूवल ले रखा है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड पूरा का पूरा मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है ऑडिट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसने सेक्शन 18 के इंटीमेशन सही से नहीं दिए ही नहीं या अकॉर्डिंग विद लॉ नहीं दिए या फिर जो दिए थे उसमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो लॉ वायलेट हुआ है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट ऑर्डर कर सकता है। एंड सेक्शन नंबर 22 टॉक्स अबाउट कि अगर आपके असेट्स को डिस्पोज करना तो कैसा होगा, अकॉर्डिंग विद लॉ और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। दिस इज सेक्शन नंबर 17 to 22। डोंट यू थिंक दीज आर सुपर इजी सेक्शंस? अभी पूरा ऐसे छोटे 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 सेक्शंस आते हैं, सबसे दमदार सेक्शन रहता है 3 to 10 और उसके बाद में 11 to 16। बस चलो 22 के बाद आगे चलते हैं। 28, 29, 30 क्या बात करता है? दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एडजुडिकेशन। 28 क्या कहता है कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने लॉ को वॉयलेट करके कोई आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी थी तो उसको सीज की है, दैट इज लायबल टू कॉन्फिस्केशन। कि कोई भी सीज किया हुआ आइटम है तो दैट कैन बी कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट। कि कोई भी आपने लॉ को वॉयलेट करके चीज ली थी तो दैट कैन बी कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट। दैट इज सेक्शन नंबर 28। सिर्फ इतना सा कि कॉन्फिस्केशन हो सकता है अगर आपने लॉ को वॉयलेट करके कोई भी आर्टिकल, कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी करेंसी इंडिया में लिया एज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। 28 टॉक्स अबाउट द एडजुडिकेशन कि हाउ इट विल बी एडजुडिकेटेड। कि अगर मान लीजिए कोई करेंसी पाई गई, कोई आर्टिकल पाया गया, कोई सिक्योरिटी पाई गई कि यार ये एक व्यक्ति के पास है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इन वॉयलेशन ऑफ एक्ट आया, सो देन देयर विल बी एन अथॉरिटी गोइंग टू एडजुडिकेट। हु इज गोइंग टू एडजुडिकेट? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, बारीक पॉइंट समझना। सेशन कोर्ट विदाउट एनी लिमिट कैन एडजुडिकेट, सेशन कोर्ट विदाउट एनी लिमिट कैन एडजुडिकेट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट सर्टन पीपल, जहां पे नाम दिया रखा है एडिशनल सेशन जज, दे कैन एडजुडिकेट अप टू 10 लाख। तो जो सीज किया हुआ आइटम है उसकी वैल्यू 10 लाख तक है तो एडिशनल सेशन जज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड लोग उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू उससे ज्यादा है तो सेशन कोर्ट ही उसको एडजुडिकेट करके। आई रिपीट अगेन, सेशन कोर्ट कैन एडजुडिकेट द केस विदाउट एनी लिमिट और पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एडिशनल सेशन जज कैन एडजुडिकेट अप टू 10 लाख। तो ये एडजुडिकेट करेंगे कि ये जो असेट मिला है, ये जो आर्टिकल मिला है, सिक्योरिटी मिला है, ये जो करेंसी मिला है, इसका क्या होगा, ये कॉन्फिस्केट होगा या फिर किसी को रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, दिस इज सेक्शन नंबर 28 कहता है कि कॉन्फिस्केशन हो सकता है। सेक्शन नंबर 29 कहता है एडजुडिकेशन कैसा होगा। सेक्शन नंबर 30 कहता है प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है बस। तो 28, 29, 30 टॉक्स अबाउट एडजुडिकेशन, 28 कहता है कि कॉन्फिस्केशन हो सकता है, 29 कहता है कि एडजुडिकेशन होगा कौन करेगा, और 30 कहता है कि प्रोसीजर फॉलो करना है सिंपल, दैट यू टू फॉलो एनी ऑर्डर आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो 28, 29, 30 एक ही लट्टे बट्टे। ठीक है, 29 कहता है कॉन्फिस्केशन हो सकता है 29 के अंदर, 29 एडजुडिकेट कैसे होगा बताता है, और 30 कहता है आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है प्रोसीजर में। ठीक है, 20, 29, 30 एडजुडिकेशन। 31 और 32 इंटरेस्टिंग है, फोकस करना 31 और 32। अब ये समझो खत्म, ये चैप्टर इसी शीट पे खत्म हो जाएगा, सारे सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए। सबसे मैं बात करता हूँ अपील एंड रिविजन का, सेक्शन 31, 32। 31 और 32 बात करता है, 31 टॉक्स अबाउट अपील, 32 टॉक्स अबाउट रिविजन, 100% फोकस यहाँ पे। 31 क्या कहता है, सेक्शन 31 कहता है कि अगर कभी भी आपको अपील करनी है तो दो चीजें दे रखिए, दो केसेस हैं। पहला, अगर आपको अपील करना है अगेंस्ट सेक्शन 29 में एडजुडिकेशन हुआ था कि कोई आर्टिकल, कोई करेंसी या कोई सिक्योरिटी जब्त किया था गवर्नमेंट ने और फिर सेशन कोर्ट ने या फिर एडिशनल सेशन जज ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये तो है ना जब्त होगा, कॉन्फिस्केट होगा। इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 29, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 29, तो अपील का हायरार्की क्या है सुनना बहुत केयरफुली। If the order with which you are not satisfied has been passed by वो लिमिट के 10 लाख के अंदर वाले लोगों ने, एडिशनल सेशन जज ने, तो अपील फाइल करोगे आप सेशन कोर्ट के पास। अंडर सेक्शन 29 आप सेटिस्फाइड नहीं हो ऑर्डर से, द ऑर्डर वॉज पास बाय एडिशनल सेशन जज, अपील करोगे सेशन कोर्ट के पास। लेकिन वॉट इफ द वैल्यू वॉज मोर देन 10 लाख एंड द ऑर्डर हैज बीन पास बाय सेशन कोर्ट ओनली, तो अगर सेक्शन 29 के सेशन कोर्ट के ऑर्डर से आप खुश नहीं हैं तो अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट के पास। आई रिपीट अगेन, अपील के अंदर पहला पार्ट है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 29, तो 29 में ऑर्डर या तो एडिशनल सेशन जज वगैरह कर सकता है या फिर सेशन कोर्ट कर सकता है। तो अगर एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर से आप खुश नहीं है तो अपील करेंगे सेशन कोर्ट के पास, और सेशन कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं तो अपील करेंगे हाई कोर्ट के पास। क्लियर है? अपील करने के लिए आपको 1 मंथ दिया है, 1 मंथ में अपील हो जानी चाहिए, और अगर 1 मंथ में नहीं की तो एडिशनल 1 मंथ है आफ्टर सेटिस्फाइंग दी अथॉरिटी। क्लियर? दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अपील। सेकंड पार्ट ऑफ अपील समझना, सेकंड पार्ट ऑफ अपील में इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर
ऑफ, आपने एप्लीकेशन दिया, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आपके आपके सर्टिफिकेट उन्होंने कैंसिल कर दिया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 में बोल दिया कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगेगा, ऐसा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिससे आप खुश नहीं है, तो भी आप अपील कर सकते हैं विद डायरेक्टली विद हाई कोर्ट, डायरेक्टली विद हाई कोर्ट. सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है. और हाई कोर्ट के अपील करने के लिए आपको मिलते हैं 60 डेज, हाई कोर्ट के अपील करने के लिए आपको मिलते हैं 60 डेज. तो अपील के अंदर दो केसेस ऑफ अपील है, सेक्शन 29 के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अपील का प्रोसीजर अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अपील का प्रोविजन विद इन 60 डेज, यू कैन डायरेक्टली मेक एन अपील टू हाई कोर्ट. क्लियर अपील. ये हो गया सेक्शन में 31 अपील. सेक्शन में 32 टॉक्स अबाउट रिविजन. सुना ध्यान से, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से खुश नहीं है तो रिविजन की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं. रिविजन दो केस में दो तरीके से हो सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो रिविजन कर सकता है कि यार हमने ये ऑर्डर पास किया था बट हमें लगता है ऑर्डर सही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है. तो रिविजन कैन बी डन सुओ मोटो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर. सेकंड थिंग, रिविजन हो सकता है ऑन योर एप्लीकेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, आप उससे खुश नहीं थे, तो यू वांट टू मेक एन एप्लीकेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, आप उससे खुश नहीं थे, यू वांट टू मेक एन एप्लीकेशन कि प्लीज इसे रिवाइज कर दो, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो. कब? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर. आपको जब तक ऑर्डर पता चला था उसके विद इन 1 ईयर यू कैन मेक एन अपील फॉर, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन. ठीक है, मान लो 1 ईयर के बाद भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इट इज जस्ट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी सेटिस्फाइड. आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी सेटिस्फाइड. यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे मॉड्यूल में मिसप्रिंट है, गलत दिया हुआ है. सुना ध्यान से, एक पॉइंट इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके पास अपील करने का राइट है, अगर आपके पास अपील करने का राइट है तो आप रिविजन के लिए नहीं जा सकते. आपने अपील के राइट को एग्जॉस्ट कर दिया है, या फिर अपील का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, या फिर आपने वेव कर दिया है कि मैं अपील नहीं करूंगा, तभी आप रिविजन कर सकते हो. तो जब आपके पास अपील का राइट है तब आप रिविजन नहीं कर सकते. सो सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट अपील एंड रिविजन. इजी. उसके बाद में आता है आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का सेक्शन. 33-38 टॉक्स अबाउट सर्टेन पेनल्टीज ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कि आपने कुछ ऑफेंस कर दी तो उनकी पेनल्टीज क्या होगी, ये 33-38 के अंदर दिया है. फिर आता है 39, 40 और 41. 39 कहता है ऑफेंस बाय कंपनीज. 39 क्या कहता है? ऑफेंस बाय कंपनीज, अगर एक कंपनी ने कोई ऑफेंस किया है तो हु विल बी लायबल? एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स, एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स. सेकंड, एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स. एंड थर्ड, कंपनी इटसेल्फ, दे विल बी लायबल. फिर एक पॉइंट आता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति है जिसने ड्यू डिलिजेंस से काम किया था या फिर उसको नॉलेज ही नहीं था, ये व्यक्ति लायबल नहीं होगा. फिर एक और पॉइंट आता है कि कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का सेक्रेटरी, ये लोग जो हैं, कंपनी का ऑफिसर, ये लोगों की अगर नेग्लिजेंस के कारण कोई एक्ट हुआ है, इनके अगर नेग्लिजेंस के कारण कोई एक्ट हुआ है तो उन सर्कमस्टेंसेस में, इनके अगर नेग्लिजेंस के कारण कोई एक्ट हुआ है तो उस सर्कमस्टेंसेस में दे विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल. आई रिपीट अगेन, ऑफेंस बाय कंपनी, कंपनी ने अगर ऑफेंस किया है, ध्यान से सुनना, कंपनी ने अगर ऑफेंस किया है तो एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी विल बी लायबल, एनी पर्सन हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी विल बी लायबल, एंड कंपनी इटसेल्फ विल बी लायबल. फिर एक पॉइंट आता है कि ये लायबल नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति जिसको नॉलेज ही नहीं थी उस एक्ट की, या फिर जिसने ड्यू डिलिजेंस से काम किया था, वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा. फिर एक और पॉइंट आता है, लेकिन ये लायबल होंगे, कंपनी के जो ऑफिसर हैं, एम्प्लॉई हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, सेक्रेटरी है, ये लोग की अगर नेग्लिजेंस के कारण कोई एक्ट हुआ है तो ये लोग लायबल होंगे. दिस इज ऑफेंस बाय कंपनी. इजी. नेक्स्ट इज बार ऑन प्रोसिक्यूशन ऑफेंस अंडर द एक्ट. सिंपल सा पॉइंट इतना सा कि यहां पर जब तक कोई व्यक्ति केस फाइल नहीं करेगा, जब तक कोई व्यक्ति केस फाइल नहीं करेगा, कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर केस फाइल नहीं करेगा, कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता. छोटा सा पॉइंट है. नेक्स्ट, कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस. इतनी सी बात है कि कंपाउंडिंग बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कंपाउंडिंग उन ऑफेंसेस के लिए नहीं हो सकती जहां पे ओनली इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन है, वहां पे नहीं हो सकती है. ठीक है, तो नॉर्मल रूल है ओनली इंप्रिजनमेंट एंड फाइन एंड इंप्रिजनमेंट के अंदर कंपाउंडिंग नहीं होती है. कंपाउंडिंग क्या होता है कि मैं कह रहा हूं कि मेरे अगेंस्ट ऑफेंस चल रहा है, मेरे अगेंस्ट चीज का केस चल रहा है, मैं फाइन देके निकलना चाहता हूं. ठीक है, एक बार अगर आपने एक ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग की है तो 3 ईयर्स तक वापस सिमिलर ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है. ठीक है, 3 ईयर्स के बाद आप फ्रेश तरीके से सिमिलर ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग कर सकते हो, बट विद इन 3 ईयर्स वापस कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है. दैट इज देन. तो 33-38 बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेज उनकी पेनल्टीज. 39 ऑफेंसेज बाय कंपनीज, 40 छोटा सा 12 प्रोसिक्यूशन, एंड 41 टॉक्स अबाउट कंपाउंडिंग. इजी. और इसके बाद में लास्ट चैप्टर आता है आपका, That is miscellaneous. हिम्मत के साथ बने रहो, खत्म हो जाएगा. यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बहुत टाइम पास है. इसको आप मॉड्यूल में भी देखोगे तो दो पेज भी नहीं है. 42 एंड 43 क्या कहता है? पावर टू कॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेट इनटू केसेस अंडर द एक्ट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट को बुला सकता है और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसके पास भी पावर है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन या कॉल कर सकता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को. और साथ में जो जो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन अथॉरिटी के वास्ते पावर है, इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर करेगा तो उनके पास भी पूरी पावर रहेगी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकते हैं. 42-43. फिर आता है 46 एंड 47, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए वो जो भी डायरेक्शन इश्यू करना चाहे वो कर सकते हैं, एंड दे कैन इवन डेलीगेट दिस पावर. बट
पावर टू मेक रूल कैन नॉट बी डेलीगेटेड. पावर टू मेक रूल कैन नॉट बी डेलीगेटेड. फिर आता है सेक्शन 48 पावर टू मेक रूल. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल व्हिच कैन नॉट बी डेलीगेटेड. फिर आता है 50 पावर टू एग्जेम्प्ट इन सर्टेन केसेस. सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति को हमें एग्जेम्प्ट कर देना है कि भैया तू फ्रीली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर, तेरे पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू एग्जेम्प्ट एनी पर्सन एज वेल. फिर आता है 51 एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन. कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं करता है. एंड 52 एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड. केएफसीआर आने के मतलब ये नहीं है कि दूसरे लॉज अप्लाई नहीं होंगे. तो जो फेमा बोलो या जो दूसरे लॉज चल रहे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे और साथ में एफसीआरए भी कंटिन्यू करेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट Foreign Contribution Regulation Act 2010. And I hope this revision has very nicely and fruitfully helped you all. चलिए यार, आशा करता हूं कि पूरा का पूरा Foreign Contribution Regulation Act दिल में है. This is all about this act. I guess unnecessarily एक हाई पर रहता है, unnecessarily बच्चे डरते हैं, but I guess comfortable तरीके से आपने इस तरह से पढ़ाया तो this is all sorted. If at all, this is all you remember. You just have to give a nice reading of the module and you'll be all sorted, right? I hope you're all with me, right people? तो इसके बाद में कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ हो चुका है. सिर्फ एक छोटी सी चीज है that कुछ पास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं तो एक और आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से होता है. But I guess you are all with me. Are you all with me? Are you all feeling FCR to be very comfortable? So then we can go ahead then. चलिए यार, तो FCR के कुछ क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं आराम से, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा. चलिए यार, बिल्कुल परेशानी होने वाली नहीं है. सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जैसे हमने जो पढ़ाया था, आई डोंट थिंक कोई भी क्वेश्चन आपको दूर दूर तक परेशानी वाली, बट लेट्स सी दिस क्वेश्चन, यू विल गेट अ फेयर आइडिया. सेड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट कैन कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू पर्सन अंडर एफसीआरए. कि किस केस में उसके सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन, मुझे कैंसिलेशन का सेक्शन बोलो फटाफट. कैंसलेशन का सेक्शन क्या था? देखो हम उसमें 11 में अप्लाई करता है, 12 में सर्टिफिकेट मिलता है, 13 में सस्पेंड होता है, 14 कैंसलेशन, 15 सरेंडर, 14 कैंसलेशन. ठीक है, कैंसलेशन पांच ग्राउंड, मैंने कहा था बहुत केयरफुल रहना, कैंसलेशन पांच ग्राउंड पे हो सकता है. पहला ग्राउंड क्या था कि उस व्यक्ति ने इंटीमेशन ही नहीं दिया, इंटीमेशन दिया बट इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं दिया. इंटीमेशन जो उसने I'm sorry. फोकस करना यहां पे क्या कह रहे हैं हम लोग, सॉरी उसने फॉल्स कैंसलेशन का बोल, कैंसिल मैं ऑडिट के पॉइंट बोल गया. कैंसलेशन कौन कन केसेस में होते हैं, 100% फोकस यहां पे. कैंसलेशन किन केसेस में हो सकता है? कैंसलेशन पहला कि उस व्यक्ति ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, या फिर उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उनको कंप्लाई नहीं किया, या फिर उसने लॉ ही वॉयलेट किया, या फिर उस व्यक्ति ने अप्रूवल हमसे रजिस्ट्रेशन ले लिया था उसके बाद 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक द पर्सन हैज नॉट डन एनी एक्टिविटी एंड और द पर्सन हैज बीन नाउ डिफंक्ट डिक्लेयर्ड, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है. तो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये 5 केसेस कहते हैं कि उस व्यक्ति के सर्टिफिकेट को क्या कर सकता है, कैंसिल. हमने एक और पॉइंट पढ़ा था ऑडिट, तो वहां पे क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति ने इंटीमेशन नहीं दिया, इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं दिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इंटीमेशन जो दिया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऑडिट ऑर्डर कर सकते हैं. दैट आर दोज आर 3 डिफरेंट पॉइंट्स. जब आप पॉइंट्स, अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन भी होता है ना, तो आप पॉइंट्स को रीड करोगे सोचोगे ना, तो आपको ऑटोमेट अरे हाँ ये तो ऑडिट वाले थे, एक दो पॉइंट में आता है. तो रट्टाफिकेशन नहीं करना, अच्छे से अगर समझ के आप जा रहे हैं तो कहीं आपको परेशानी नहीं होने वाली है. तो कैंसिलेशन के एकदम ईजी पॉइंट्स. उसके बाद में एक्स इज एन एसोसिएशन हैविंग रजिस्ट्रेशन टू ट्रांसफर द एफसीआरए रिसीव्ड बाय टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज दी वैलिड एक्ट ऑफ एक्स. ठीक है, इफ यस देन व्हाट इज द प्रोसेस टू डू सो इफ देयर आर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू अदर ऑर्गेनाइजेशन. कि एक व्यक्ति जिसके और फंड्स दे लिया है, क्या वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. लेट्स सी, बहुत आसान है, हमने पढ़ा ये भी कि ट्रांसफर कर सकता है नहीं कर सकता, लिमिट हमने सब कुछ पढ़ा है. सेक्शन बताएगा कोई मुझको, सेक्शन बताएगा कोई फटाफट से. फर्दर ट्रांसफर सेक्शन 3 वो सेक्शन 7 कि एक व्यक्ति इसने रिसीव किया वो आगे ट्रांसफर कर सकता है नहीं, सेक्शन 7. चलो फोकस. यस एक्स कैन ट्रांसफर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन एज सेक्शन 7 अकॉर्डिंग टू प्रोविजन नो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड रिसीव्ड कैन ट्रांसफर. तो जनरली ट्रांसफर नहीं कर सकता है, बट उसके आगे फिर लिमिट के अंदर ट्रांसफर कर सकता है. प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन मे ट्रांसफर द प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट अ पार्ट ऑफ सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन हु हैज नॉट बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट. तो एक व्यक्ति जिसका सर्टिफिकेट नहीं है उसको एक लिमिट में कर सकते, कितना? 10% तक कर सकते हैं विद प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. फिर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि आप 10% तक कर सकते हैं. फोकस करना अच्छे से, ठीक है. रेस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर के आप करेंगे तो कितना कर सकते हैं? सिर्फ 10% तक कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 10%, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद कर सकते हैं.
ठीक है। उसके बाद में हमने उसी सेक्शन के अंदर लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ा था कि आप जब भी अब कैसा होता है कि हम कभी कभी सजेस्टेड आंसर देखते हैं तो वो पूरे सेक्शन को ही लिख देते हैं। तो उसके अंदर हमने रेगुलर बैच के अंदर डिटेल में देखा था कि भैया जी आपने कभी भी अगर सर्टिफिकेट लिया है तो उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं देंगे और मैक्सिमम 10% देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। देयर आफ्टर कि अगर किसी भी व्यक्ति को अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12(11) में एप्लीकेशन 12 में सर्टिफिकेट मिलता है शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सीक प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसफरिंग इट टू एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। कि कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को अगर आपको देना है ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड व्यक्ति को देना है तो आपको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं, ये भी मैंने चार्ट में क्लियरली बताया। और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो ऑफ द ट्रांसफरर एज वेल एज रेसिपिएंट। तो ये पूरा जो सेक्शन हमने पढ़ा था वो पूरा यहां पर आ गया। तो फोकस वेरी केयरफुली, सेक्शन 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आगे आप देखोगे कि सिमिलर क्वेश्चन वापस दिखेगा, राइट। तो सेक्शन 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कैंसिलेशन वाला सेक्शन और सेक्शन 7 बहुत केयरफुली स्टार मार्क करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है Can foreign contribution be received in and utilized from multiple bank account? तो यहां पे ध्यान रखना है कि जब भी आता है तो पहले आपका SBI account में आना mandatory है, तो आप multiple में नहीं ले सकते, पहले mandatorily FCRA account with SBI New Delhi में आना चाहिए section number 17, और उसके बाद में आप चाहो तो अपनी operational convenience के लिए आगे transfer कर सकते हो। The foreign contribution should be received only in the exclusive single foreign contribution account of a bank, also called designated FC account, as mentioned the order of designation or prior permission granted and should be separately maintained by association. तो क्या लिखा है यहाँ पर, उन्होंने डिटेल में नहीं दिया, हम क्लियरली लिखते हैं कि सेक्शन 17 कहता है SBI के FCR अकाउंट में आना चाहिए वन टाइम, उसके बाद में आप ऑपरेशनल कन्वीनियंस के आगे ले सकते हैं। देखो क्या लिखा है, however one or more account in one or more bank may be opened by association for utilizing the foreign contribution after it has been received in the designated FCRA account. ke ek bar aapne FCRA account mein le liya hai SBI ke, uske baad apne utilization ke liye aage operational convenience ke liye aage dusre scheduled bank ke accounts mein transfer kar sakte hain, jisse aapki convenience ke mujhe HDFC janta hai to mujhe mandatory ek bar SBI ke FCRA mein lena hai, fir main HDFC ke andar ek FCRA account open karunga, wahan transfer kar lunga aur wahan se utilization kar sakta hu, koi problem nahi hai. that is question number 3 ke kya multiple bank account mein le sakte hain, to pehle SBI mein lena mandatory, uske baad mein aap aage le सकते हो। Can capital asset purchase with the help of foreign contribution be acquired in the name of Mr. Ram, an office bearer of the association? ये क्या कह रहे हैं? तो मतलब general knowledge का question हो गया। कहीं regulation में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अगर मान लीजिए एक association ने foreign contribution लिया कि यहाँ पे हम hospital open करेंगे, तो हम जब hospital की building खरीद रहे हैं तो हमारे association के एक व्यक्ति हमारे promoter के नाम पे खरीद सकते हैं क्या? अरे भैया जी नहीं खरीद सकते, foreign contribution का जो पैसा आया है वो आप association के नाम पे पैसा आया है तो association के नाम पे ही खरीदोगे, ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं खरीद सकते। ऑब्वियस सी बात है, आप समझो आज शुभम सुखिया ने एक फाउंडेशन खोली, ठीक है, और बोला कि बाहर से वर्ल्ड वाइड हमें डोनेशन दो तो हम इस फाउंडेशन में यहाँ पे लोगों का इलाज कराएंगे। उन्होंने हमें भाई साहब समझो 200 करोड़ के डोनेशन आ गए इन रुपीज, ठीक है। अब 200 करोड़ का मैंने क्या यार कहूँ, हॉस्पिटल की बड़ी सी बिल्डिंग दे ली इन द नेम ऑफ शुभम सुखलेचा, चलेगा क्या? नहीं, यू हैव टू बाय इट इन द नेम ऑफ द फाउंडेशन ओनली। तो क्या लिखा है, नो एवरी असेट परचेज विद फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी अक्वायर्ड एंड परचेस इन द नेचर ऑफ द इन द नेम ऑफ द एसोसिएशन सिंस एन एसोसिएशन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई बड़ी बात नहीं है, तो एसोसिएशन आप होगा इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर नहीं, भाई लॉजिक है इसका, कहीं पर कोई ऐसा रीजन नहीं दिया था। आरटीपी का क्वेश्चन, वेदर foreign remittances received from a relative are to be treated as foreign contribution as per FCRA. relative से जो पैसा लेते हैं वो क्या यहां पर आएगा क्या? भैया जी relative से अगर आप लेते हैं up to 1 lakh rupees, हमने पढ़ा था definitions के अंदर, relative से अगर 1 lakh rupees तक आप ले रहे हैं तो वहां पर ये कोई भी restriction नहीं है। relative से तो पैसा लेते हैं तो restriction में वैसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है, focus करना अच्छे से। तो उन्होंने लिखा है कि section 3 में prohibited लोग हैं, लेकिन उसके आगे लिखा है कि 1 lakh rupees से ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन है, 1 lakh rupees तक अगर आप रिलेटिव से ले रहे हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मिस्टर सतीश जनरल सेक्रेटरी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द अमेरिकन लेबर पार्टी, ही वांट्स टू अवेल फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सुना जनरल सेक्रेटरी, उसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करना है, डिफाइन द टर्म फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, डिसाइड वेदर ही कैन अवेल इट, डिस्कस ऑल्सो द एक्सेप्शन इफ एनी अंडर विच द प्रोविजन ऑफ एक्ट मे बी रिलैक्स। सुना ध्यान से क्या लिखा है, मिस्टर सतीश जनरल सेक्रेटरी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, वेरी केयरफुली सबसे मुझे तो फॉरन हॉस्पिटैलिटी का सेक्शन क्या, सेक्शन नंबर 6, 5 लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया था, वहां पे ऑफिस बेरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी था, तो ही इज एन ऑफिस बेरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ये फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए इसको मैंडेटरीली क्या करना होगा, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा। फिर उन्होंने कहा कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है मेडिकल एड, अगर आप अब्रॉड में थे और मेडिकल एड आपको अर्जेंटली चाहिए था तो वहां पे आपको प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, आप मेडिकल एड ले लो उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई कर सकते हो। डिफाइन करो क्या होता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, तो हमने पढ़ा था कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए फॉरेन सोर्स इज ऑफरिंग एनी पर्सन नॉट अ कैजुअल वन इन कैश और इन काइंड टू प्रोवाइड व्हाट, आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेवल,
फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री आपका ट्रांसपोर्ट एंड फ्री मेडिकल जो आपका पूरा ट्रीटमेंट है, तो दैट इज कवर्ड एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो क्या वो ले सकता है मिस्टर सतीश? नहीं ले सकता है, विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ही ले सकता है वो, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही ले सकता है। उसका एक्सेप्शन पूछा गया, एक्सेप्शन होगा मेडिकल ट्रीटमेंट। बहुत आराम से, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? इट मींस एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन, मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग पर्सन द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी विद फ्री बोर्डिंग लॉजिंग ट्रांसपोर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। ये हो गया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं स्टार मार्क कराया था उस टाइम पे भी। क्या मिस्टर सतीश ले सकते हैं? जी हाँ ले सकते हैं, बट इट विल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल लेना है, उसी के बाद में आप ले सकते हैं। इन द इंस्टेंट केस इसको लेना ही होगा प्रायर अप्रूवल, उसी के बाद में फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? मेडिकल एड का, कि अगर आप इंडिया के बाहर हैं और आपको तुरंत मेडिकल एड की जरूरत पड़ गई तो आप बिना प्रायर अप्रूवल के ले सकते हैं, बट उसके बाद में आपको सेंट्रल को नोटिफाई करना पड़ता है विद इन वन मंथ टाइम क्या 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 आपका सोर्स क्या था, किसने दिया, कितना अमाउंट दिया और किस तरह से वो यूज़ किया गया है। And that brings us to this question number 7. This is a repeat question. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और फिर आता है आपका question number 8. अच्छा question है, question number 8 अच्छा question है, carefully देखना। An association registered under Foreign Contribution Regulation Act 2010. इसके अंदर registered एक association है, received डोनेशन फ्रॉम अ क्लब रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। तो इसको सिंगापुर के क्लब से फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, ठीक है, तो रजिस्टर्ड ले सकती है। सुनना, द एसोसिएशन proposes to transfer 10% of the donation to Home for Aged Society and unregistered person and 15% to Welfare Club or registered person। समझ में आया? एक व्यक्ति है, वो registered है, वो आगे एक unregistered को थोड़ा transfer करना चाहता है और registered को transfer करना चाहता है, कर सकता है। Section applicable is section number, मुझसे पहले बोलो, 7। मैंने कहा है section number 7 और आपका cancellation का जो है section number 14, उसको बहुत carefully ध्यान रखना है। Section number 7 पे वापस question आया कि एक व्यक्ति है ना, उसने register किया, वो आगे transfer करना चाहता है, 10% transfer करना चाहता है टू अनरजिस्टर्ड एंड 15% करना चाहता है टू वेलफेयर क्लब विच इज रजिस्टर्ड, तो कर सकता है क्या? फर्दर ये इन्वेस्ट करना चाहता है पोर्शन ऑफ द डोनेशन इन चिट्स प्रॉमिसिंग हायर रिटर्न। ये फर्दर आगे इन्वेस्ट करना चाहता है चिट फंड्स में जो कि हायर रिटर्न प्रॉमिस करेंगे। एक और सेक्शन एप्लीकेबल है, याद आ रहा है क्या? सेक्शन नंबर एट टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट कि एक जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का पैसा आया है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये कर सकता है कि, तो अगर मैं सीधा आंसर बोलना चाहूं तो क्या 10% वो कर सकता है अनरजिस्टर्ड को? हाँ, नॉट एक्सीडिंग 10% अनरजिस्टर्ड को कर सकता है। तो यहाँ पे 10% होम फॉर एज सोसाइटी को कर सकते हैं, बट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी ऑब्टेन। फर्दर 15% रजिस्टर्ड को कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल। फिर क्या चिट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकता, बिकॉज सेक्शन 8 प्रोहिबिट करता है कि स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आई होप यू आर ऑल विथ मी। क्या लिखा है देखते हैं यहाँ पे। सेक्शन नंबर 7 का पहला रेफरेंस दिया है कि भैया जी आप किसी भी व्यक्ति जो कि अनरजिस्टर्ड है उसको थोड़ा कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड है उसको कर सकते हो। इन द इंस्टेंट केस द एसोसिएशन कैन ट्रांसफर 10% ऑफ द डोनेशन टू होम फॉर एजेड सोसाइटी एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड कैन ऑल्सो ट्रांसफर 15% टू वेलफेयर क्लब और रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ द एक्ट। फर्दर सेक्शन नंबर 8 कहता है कि आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते। रुको, क्या लिखा है? इन द इंस्टेंट केस द एसोसिएशन कैन नॉट इन्वेस्ट पोर्शन ऑफ द डोनेशन इन चिट प्रॉमिसिंग हायर रिटर्न, बिकॉज वो स्पेकुलेटिव में कवर होता है। तो स्पेकुलेटिव क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था। कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट के अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होने की संभावना है, या फिर कहीं भी आप इन लियू ऑफ हायर रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप यू आर ऑल विद मी ब्यूटिफुली। एंड दिस हैविंग सेड, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, मे 19 का क्वेश्चन है। आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसल। वापस किस पे क्वेश्चन आया? कैंसिलेशन पे। क्या कहा मैंने? दो सेक्शंस दिमाग में बिठा लेना, सेक्शन नंबर 7, उसके बाद में सेक्शन नंबर 8 भी बिठा लो, सेक्शन नंबर 7-8 और उसके बाद में सीधा कैंसिलेशन का सेक्शन नंबर 14। वापस कैंसिलेशन क्वेश्चन के अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एफसीआर ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। 2.5 ईयर्स हैव पास्ड, कैंसिल किया था उससे 2.5 साल हो चुके, 2.5 ईयर्स हैव पास्ड since such cancellation, company has submitted its written declaration not to involve in such activity again and request to restore the registration. 2.5 साल के बाद वो आया है कि हमें प्लीज रिस्टोर कर दो यार, हम वापस नहीं करेंगे। Advise the company on its eligibility for re-registration on grant of prior permission. Also state the circumstances under which the government can cancel the certificate registration granted to a person under the foreign contribution. आपको बताना है किन किन ground पे registration cancel हो सकता है और क्या ये company apply कर सकती है for re-registration. पहले आता हूँ किन किन ground पे cancel कर सकता है। वही 5 ground पे cancel हो सकता है कि एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते टाइम या रिन्यूअल के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन दी वो फॉल्स दी है, अप्लाई और रिन्यूअल के टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दी उसको वॉयलेट किए,
एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया है, या फिर इस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन ले लिया बट टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक कुछ यूज ही नहीं किया, डिफंक्ट हो चुका है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में इसको सर्टिफिकेट कैंसिल करना है तो कर सकते हैं। ये पांच चीजें हो गई। फिर इस केस में व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, मुझे बताओ अप्लाई कर सकता है, कर सकता है। मुझे लगता है आप सबको आंसर पता चल रहा है कि एक बार कैंसिलेशन होने के बाद तीन सालों तक आप वापस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तीन सालों तक आप वापस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे 2.5 इयर्स ही हुए तो इसको रुकना होगा, उसी के बाद में रीअप्लाई कर पाएगा। एंड आई होप यू ऑल विद मी। ये पांचों केस बोल दिए कि किसमें कैंसिलेशन होगा, और इन दिस केस उन्होंने ऊपर आंसर कर दिया होगा। ये देखो, इन द इंस्टेंट केस दिस कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रांट ऑफ अप्लाई परमिशन एज ओनली 2.5 इयर्स हैव पास्ड सिंस द कैंसिलेशन, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 इयर्स ऑफ कूलिंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन इज नॉट कंप्लाइड विद। एंड आई होप You are all with me, right? These are the questions. आप अगर कभी भी कोई पास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ही केक वॉक की तरह हैंडल कर पाएंगे। FCRA is a beautiful, beautiful law. इसको पहली बार पढ़ने में एफर्ट्स लगने थे, हमें रेगुलर बैच में भी पढ़ने में इसको कितने आई थिंक 10 आवर्स लग गए होंगे, तो 10 आवर्स हमें लगे FCRA एक बार पढ़ने में। लेकिन एक बार FCRA में पढ़ा तो इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा है दैट अब किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल नॉट बी एज इन यू विल नॉट मिक्स इट अप। एंड ये जो रिविजन लेक्चर है ये आप रेगुलर बैच के बच्चों को, मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार से मिलेगा कि विदाउट एनी व्यूज रिस्ट्रिक्शन आप इसको देख पाएंगे। तो वैन यूल बी एबल टू सी दिस रिविजन विदाउट एनी व्यूज का रिस्ट्रिक्शन, तो अगर आपने अपने एग्जाम के पहले 3-4 बार जब आपको संडे जब मौका मिला तब भी देख लेना, तो सारे सेक्शन नंबर भी दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएंगे, देन यूल बी ऑल सॉर्टेड विद द एग्जामिनेशन। सो आई होप यू थरली एंजॉयड द रिविजन एंड दिस हैज प्रूव टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड, आई विल सी यू सून for wonderful session again. Thank you so much. Shubham Sukhlecha signing off. Bye-bye.